एक सेकंड चालू कर दिया, अब मत बात करो कुछ भी मत। हाँ सभी ध्यान देंगे, हम लाइव हो रहे हैं अभी। जो लोग गूगल मीट से नहीं जुड़े हैं वो लोग सब गूगल मीट से की बजाय यूट्यूब लाइव से जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोग भी चर्चा में शामिल हो सके, आप लोगों के कमेंट्स जो आएंगे उस पर भी बात की जाएगी। दोस्तों हमने पिछले कई दिनों से बहुत सारी आप लोगों की शंका समाधान की है और बहुत सारे सेशन क्वेश्चन आंसर के रखे हैं। बीच में हमारा पिछले 3-4 दिन से इंटरव्यू वाले सेशन नहीं हो रहे थे, तो अब हम इंटरव्यू सेशन करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, उनमें कई लोग इंटरव्यू के लिए उपस्थित हैं, तो अभी जो आज हम इंटरव्यू लेंगे उनमें वन बाय वन बुलाएंगे। उनमें एक हमारे बीच में समरेश जी है, जिनको 180 में से 152 मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स में PGT मैथ्स के लिए। उसके बाद हमारे पास आनंद मौर्य है, जो PGT CS के लिए हैं, इनको 148 मार्क्स इनको मिले हैं 180 में से। साथ ही विपिन सिंह हमारे साथ में, ये 156 वाले थे, ये अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये मैसेज करेंगे बाद में फिर इनको जोड़ेंगे, और कहीं ये चले गए थे शायद बीच में, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर पाए। आनंद मौर्य और एक आनंद प्रेम, दो दो आनंद है आज हमारे बीच में, ये डबल आनंद का हम आनंद लेंगे। इनके 148 और 156 इतने बढ़िया मार्क्स हैं इनको प्राइमरी टीचर के लिए। आपको ये भी देखने में मज़ा आएगा कि जिनको बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स आते हैं, उनका इंटरव्यू कैसा रहता है, और आपको ये भी देखने में आनंद आएगा कि जिनको बहुत कम मार्क्स है या जिनको अभी भी आशा नहीं है लेकिन वो इंटरव्यू वो कैसा देते हैं। तो इससे ये पता लगेगा कि मार्क्स ज़्यादा होने पर भी इंटरव्यू अच्छा भी जा सकता है और मार्क्स कम होने पर भी इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जा सकता है। तो आपका बैलेंस जो रिटर्न टेस्ट में मान लीजिए कम आया है, तो वेटेज मिला करके उसमें बहुत बढ़िया अच्छे से हो सकता है। तो इसके साथ ही ये हमारे बीच में एक और है 132 मार्क्स की आराधना। आराधना भी शायद PRT का ही दे रही है। शिवानी शुक्ला जी हमारे बीच में, निक्की है, आयुष है, जिनको आयुष को 150 मिले हैं, और एक बबली कुमारी जी है। तो ये है, अगर इनमें से कोई बीच में, अब हम पूछेंगे कि पहले हम TGT इंग्लिश का लेंगे, उसके साथ ही फिर हम बीच में मैथमेटिक्स का लेंगे, और उसके बाद हम PRT का इंटरव्यू शुरू करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है करीब करीब 10 बजने वाले हैं, तो हम 10 से 11 तक में ये इंटरव्यू सारे ख़त्म करेंगे 10-10, 20-20 मिनट में, और उसके बाद हम आ जाएंगे आप लोगों के शंका समाधान, आप लोगों के संदेह निवारण पे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अलर्ट रहें। तो समरेश जी आप तैयार हैं भाई, और ये PGT केमिस्ट्री वगैरह में भी कोई आया था, अगर वो हो तो हमें बता दे। चलिए हम बात करते हैं PGT मैथ्स के लिए समरेश जी। समरेश जी आप हैं अभी यहाँ पे? यस समरेश जी हमारे बीच में। समरेश जी थोड़ा स्क्रीन ठीक कर लो, आपकी चेहरा भी थोड़ा ठीक आए, आपके रूम में उजाला हो जाए। आप कहाँ से, ये जहाँ रूम ले रहे हैं ये लाइट वाइट है ना दोनों तीनों तरफ, थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लीजिए। हाँ चलेगा, ऐसे भी चला लेंगे, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो यस थोड़ा सा बढ़िया, अब अच्छा आ रहा था बिल्कुल बीच में। हाँ, थोड़ा सा सेट कर लेंगे, वो स्थिर हो जाएगा कैमरा, तो आपका चेहरा स्क्रीन पे अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि जब हम साक्षात्कार ले रहे हैं तो जो लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो सीख भी रहे हैं इस साक्षात्कार के साथ में, वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज थोड़ा कम से कम दिखाई दे आपके चेहरे की। इतना अब आपने बढ़िया कर लिया है, अब ठीक है। समरेश जी शुरू करें, आप तैयार हैं क्या? समरेश जी के बाद आनंद मौर्य, PGT CS, आप भी तैयार हैं क्या? PGT CS शायद अभी नहीं है। चलो तो समरेश जी आप तैयार हैं? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? समरेश जी आपका माइक अभी म्यूट है, अनम्यूट नहीं हुआ है। चलिए जब तक समरेश जी तैयार होते हैं, मैं जो बातें कुछ बता रहा था वो बहुत ज़रूरी है, 2-3 बातें आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा समरेश जी इसलिए आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं, शायद ये इधर से भी म्यूट किया हुआ है। मैं इनसे पूछ लेता हूँ और फिर उसके बाद बात करते हैं।
समरेश जी, अब आप बताइए, आप तैयार हैं क्या? सर आनंद मौर्य, आई एम अवेलेबल सर। आपने माइक म्यूट करके रखा था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया सर। हाँ कोई बात नहीं। आनंद मौर्य जी, आप पहले भी एक आध बार अपियर हो चुके हैं, चलो ठीक है। सर एक क्वेश्चन पूछा था आपसे सर लास्ट में, के हर सेशन में अवेलेबल रहता हूँ सर। अच्छा, अरे इसीलिए, सही बात है, आपका चेहरा बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। सर, हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ चलो क्वेश्चन बोल लो पहले, फिर उसके बाद इंटरव्यू देना है ना आपको कि नहीं देना है? देना है सर, इंटरव्यू देना है सर। हाँ बोलिए बोलिए सर। मेरा पीजीटी केमिस्ट्री में है कि जैसे सर हमने, बोलिए बोलिए, हमने कंटिन्यू सर, मैंने जो भी सर कोर्स किया है, जो भी क्लास हमने किया है कंटिन्यू किया है 2014 तक। हाँ क्या हो गया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा लास्ट, हेलो, बीच में कोई ना बोले प्लीज। सर मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन जो था सर, मेरा बीएड 2014 में मैंने किया है। हाँ, और उसके बाद सर मेरी सर कुछ आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सर प्राइवेट जॉब पकड़ ली है। हाँ हाँ, अरे उससे क्या होगा, आपका प्रश्न क्या है आप बताओ। आप गैपिंग गैपिंग वाली बात कर रहे हो ना, अगर गैपिंग है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको फिर मैं बता दूं, सभी लोग सुन लीजिए, जितनी भी गैप हो जो भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए, सारे के सारे अभ्यर्थी जो यूट्यूब से जुड़े हैं वो भी, और जो गूगल मीट से जुड़े हैं वो भी, है ना। एक सेकेंड, ओके, आवाज़ नहीं करेंगे। यस, ये फिर यार ये माइक वाइस वा, मैडम आप अपना माइक म्यूट करो जल्दी से प्लीज़। जो भी सर, है ये माइक अगर किसी, एक मिनट सर, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हीं को अनम्यूट कीजिएगा और सभी को म्यूट कर दीजिएगा तो आवाज़ें नहीं आएंगी। नहीं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो क्या है वो मुझे उससे अनम्यूट वो नहीं हो रहा है। मैं अभी देखता हूँ एक बार ट्राई करके, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है। एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिएगा, फिर इंडिविजुअली जिसको करना चाहते हो उसे अनम्यूट करिएगा तो ऐसा ऐसा हो नहीं रहा था। मैं फिर भी करके देख लेता हूँ, क्योंकि हमारे लिए निशी गोस्वामी का सजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ, है ना। और इसका मतलब आप निशी इसमें इंटरव्यू में ये कंप्यूटर वगैरह में भी आप बढ़िया हैं, है ना। जैसे समरेश जी से बात चल रही थी अभी, तो मैं समरेश जी का देख करके इनको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। समरेश जी, ओके, कहाँ, समरेश जी इधर भी दिखाई दे रहे हैं, मैं यहीं से करने की कोशिश करता हूँ। इसमें नहीं हो रहा है, इसमें आ रहा है यू कांट अनम्यूट समवन एल्स। एक सेकंड। हाँ मैं पूछ रहा हूँ आनंद जी आपसे, एक मिनट आ रहा हूँ मैं। यस, जल्दी से टर्न ऑन देयर माइक। हाँ जल्दी बताइए भाई, आनंद मोरे क्या बोलना चाह रहे थे? सर आई थिंक ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है गूगल मीट पे, जहाँ तक मुझे पता है सर, ये सिर्फ जूम में अवेलेबल है। हाँ वही वही, मुझे भी यही पता है, जूम में अवेलेबल है। सॉरी मैंने जूम में, सॉरी सर, मैंने जूम में ही क्लासेस ली थी कोविड के टाइम। नो इशू, सॉरी सर, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा था सर, बट मेरी आवाज अब तक नहीं जा पाई, तब तक आप मुझे म्यूट कर चुके थे। कोई बात नहीं, चलेगा, चलो हम अपनी बात शुरू करते हैं यार। चलो समरेश जी जल्दी से बोलो। अच्छा मैं, आपने आप बोल भी रहे थे, मैंने आपकी एक बात का जवाब दे दिया, और सभी को मैं ये बता रहा हूँ, देखो सभी सारे के सारे अभ्यर्थी प्लीज़ मेरी एक बात को आप बहुत अच्छी तरह से मान लीजिए। देखो जीवन में हर इंसान के साथ डिफरेंट टाइप की परिस्थितियाँ आती है, हम कहते हैं हम परिस्थितियों की वजह से कई बार रेगुलर हो पाते हैं ज़िंदगी में, एजुकेशन में कई बार नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन अपनी जगह है, और हर इंसान अपने टाइम से इनफॉर्मल एजुकेशन 24 घंटे सीखता रहता है ना।
ये आप ये जो माइक चॉइस आप बंद कीजिए ना अपना, माइक समझ में नहीं आ रहा, आप कर ही नहीं पा रहे म्यूट। ठीक है, अगर किसी का भी, अब सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी बीच में अगर ये बोलेगा या म्यूट करेगा तो मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत बाधा उत्पन्न होती है और मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ और मुझे बहुत परेशानी होती है कि फिर इन सब चीज़ों की वजह से डिले होता जाता है, रात को 12 साढ़े 12 बज जाती है। और मैं सही बताऊं आपको कि करीब करीब रोज 1 बज जाती, 1:30 बज जाती सोते में, और मैं जो भागना पड़ता है अपनी ड्यूटी में सुबह जल्दी आधी नींद में से उठ करके, मैं सो रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आज मैं इसलिए जल्दी भी थोड़ा स्टार्ट किया है कि कम से कम मैं 11 साढ़े 11 बजे तक एंड करके एटलीस्ट 12 बजे तक आराम कर लूँ, ताकि 6 घंटे तो ठीक से सो सकूँ। अभी मैंने जब से स्टार्ट किया और जब से कैंडिडेट्स बहुत बढ़ गए हैं, और जैसे जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लोगों को ज़रूरत भी है, और सब लोग सब जगह जा नहीं सकते, और एक्चुअल में आप लोगों का इंटरव्यू से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, अनेक प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं हैं, तो मेरा यही है कि जितनी ज़्यादा मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, और आप लोगों में से कुछ लोग अगर चयन होके आएंगे और बाद में हम कभी KVS में मिलेंगे तो हमें बड़ा आप पे फ़ख्र होगा कि कम से कम देखो पहले हम मिले थे और हमारे हमने जो सोचा था जिस तरह से प्रयास किए थे तो हम अपने प्रयास में सफल हुए हैं। मैं आप सबको ये बता रहा था कि ये जो शंका है कि मैंने 4 साल गेप हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल 15 साल भी हो जाता है भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मालूम होगा कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि जब आप की अभिरुचि उत्पन्न हो गई। हर समय आदमी एक आदमी कई प्रकार के बिजनेस आजमाता है, कहीं एक जगह सफल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफल क्यों हो गया उसमें। भाई हर सफलता बहुत सारी असफलताओं की एक कहानी है, ठीक है ना। कई लोग इसी तरह से टीचिंग में अपने आप को आजमाते रहते हैं, और टीचिंग के पहले वो अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन में गए हैं उसकी वजह से उनकी गैप हो गई है तो वो उनकी कमज़ोरी नहीं, वो भी उनका एक्सपीरियंस है। हर जिंदगी आप ये बोलिए जब भी ऐसा इंटरव्यू में अगर कोई बात आती है तो सर कि जीवन में हर असफलता व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, सारी असफलताएँ अपनी मंजिल पर जाने के लिए एक सीढ़ी होती है, और हर आपदा हर परेशानी हर प्रकार का तनाव व्यक्ति को ज़िंदगी में एक नई सीख दे के जाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और हमें ये बताता है कि जीवन में हमें अब आगे सावधानियां किस तरह रखना चाहिए। तो ये कोई प्रश्न ही नहीं है, गैप हो गई तो हो गई, आपने उस समय क्या किया ईमानदारी से बता दीजिए कि हमने ये अच्छा काम किया और हम इसमें व्यस्त थे तो हमने अपना पूरा टाइम उसको दिया। अब जब हमें ये एक और रहस्य पता चला है, बार बार सुनते आए थे कि शिक्षकीय पेशा जो है बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है, हम में कभी विश्वास नहीं होता था, हम ये सुनते आते थे कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति का चतुर माली होता है ना, इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें छिपी हुई है, शी का मतलब शिक्षित और शिष्ट व्यक्ति है ना, और क्ष का मतलब जो क्षमादायी होता है, क्षमावान होता है, और क का मतलब जो कर्मठ कर्तव्य निष्ठ होता है उसको शिक्षक कहते हैं। ये बहुत सारी परिभाषाएं सुनी तो थी, लेकिन जब हमने इस शिक्षक पेशे के नज़दीक हम गए, जब हमने नज़दीक से देखा, जब हमने सिलेबस को पढ़ा, जब हमने डेमो अपने आप देने की कोशिश की, और हमने जब कुछ कोचिंग्स पढ़ाई या कुछ लोगों की पढ़ने में निःशुल्क सहायता की, तो हमें एहसास हुआ कि वास्तव में एक एजुकेशन ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ शिक्षक के रूप में काम करके हम लोगों के मन को बदलने का काम करते हैं। हम उसके चरित्र में, व्यवहार में, कम से कम विचार में और स्वभाव में बदलाव लाने का काम कर सकते हैं, और एक इंसान में जब बदलाव आता है तो वो कई इंसान में बदलाव का काम करता है, और इसलिए इस समाज में परिवर्तन और बदलाव की क्षमता रखने वाला है पेशा हम अपनाने का विचार हमारे मन में हुआ, और हम आ गए और हम सफल हुए हैं हम अपने इसमें रिटर्न टेस्ट में, कि आपको हमें जब आपने हमें यहाँ तक बुला लिया है तो इसका मतलब ये है कि हम इसके कहीं ना कहीं योग्य है, और हमने समझ लिया कि पूरी तरह से समर्पित होकर के हम इस बिजनेस में या इस प्रोफेशन में जब आ जाएंगे तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके, एक सामाजिक उत्तरदायित्व समझ करके हम ये काम यहाँ पर करेंगे, और ऐसा ही हम करने वाले हैं, और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से बेहतर कोई हमें संस्थान नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे आ गए।
तो पहली बात तो ये कि गेप वाली बात, दूसरी आप ये जो बार बार अभी भी मेरे पास बहुत सही आ रहे हैं कि मेरा BSc है, मैंने MA कर लिया, मेरा MTech है, मेरा MSc MCA, और फिर मैं PRT की एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं TGT दे रहा हूँ, मैं लाइब्रेरियन, इवन लाइव होता क्या है, लोग BSc के बाद लाइब्रेरी का कोर्स कर लेते हैं, MLib कर लेते हैं, अब लाइब्रेरियन बनने आ गए इंजीनियर साहब, कुछ मैनेजमेंट में जाने वाले MBA के बाद लाइब्रेरियन का कोर्स कर लेते हैं। तो भाई जब पुस्तकों से लगाव हुआ, जब किताबें पढ़ी, तो लगा कि पुस्तकें जीवन को बदल सकती है ना, तो पुस्तकों का ही मालिक और उनका रखवाला और उनसे प्यार करने वाला लाइब्रेरियन ही क्यों ना बना जाए, ये सोच करके आप उस व्यवसाय में आ गए। तो देखो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं ना प्रत्युत्पन्न मति, है ना, आपका विवेक कि आप किसी व्यक्ति का किसी भी चीज़ का जवाब तुरंत बड़े सटीक तरीके से कैसे दें, ये आपको सीखना है, यही इंटरव्यू की कला है ना। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए, ये बात बहुत बड़ी है। तो ये सब आपको करना है। धीरे धीरे हम ये इंटरव्यू जितने भी आज होंगे इसके बीच बीच में सब चीज़ बताते रहेंगे, हम ऑलरेडी 10-12 मिनट इस चक्कर में लेट हो गए हैं। समरेश जी आप तैयार हैं तो हम शुरू करें आपका क्या PGT मेंस का, आप तैयार हैं जी या सर? और किसी दिन देना चाहेंगे? जी सर। यस समरेश जी, चलो जी सर। जी सर। वेरी बहुत ही बढ़िया, आपको आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे इस छोटे से प्रयास में। तो सभी जितने भी हमारे उम्मीदवार है, एस्पिरेंट्स है, वो सब देख रहे होंगे। देखो ये यहाँ पर गूगल मीट पे इंटरव्यू देना फिर भी थोड़ा सा कठिन होता है, जो यहाँ पर चूँकि आप 100 लोगों 200 लोगों और बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपको मालूम है, इसके बीच में साक्षात्कार दे रहे हैं और बोल रहे हैं स्क्रीन पे आकर के, ये बड़ी बात है। बंद कमरे में तो केवल 4 लोग रहेगा तो वहाँ तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, जो चौराहे पर मंच से बोल सकता है वो बंद कमरे में 4 लोगों के सामने क्यों डरेगा, ठीक है ना। तो समरेश जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताएं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल द थैंक यू गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम समरेश कुमार सिंह, आई एम समरेश कुमार सिंह इन फ्रॉम द आपकी आपका नेटवर्क शायद गड़बड़ है एकदम, आवाज क्लियर नहीं है। बताइए बताइए फिर से थोड़ा बताइए आप। आई हैव डन बीएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, आई हैव डन एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा एंड आई हैव डन बैचलर ऑफ एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी पटना। आई हैव करेंटली वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल कंपनी इन मेडलैंड। My hobby is the football. चलो ओके ठीक है, चलो मैं जहाँ जहाँ जो आप बताते जा रहे हैं मुझे जहाँ आपको करेक्शन करना है मैं करेक्शन इमीडिएट करता जाऊँगा। आपने अपना परिचय दिया, परिचय देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ज़्यादा अटक भटक नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो अंग्रेजी का फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। आपने आई हैव के बाद करंटली कुछ बोला था तो ये हैज़ हैव का प्रयोग और डिड का प्रयोग और कंप्लीट, आई हैव कंप्लीटेड और आई हैव डन और आई डन, इन सब का प्रयोग एक बार ठीक से देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं होती। आप मैं इसका सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, सारे सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको जो भी परिचय देना है आप बहुत बढ़िया से इंग्लिश में देख लीजिए और उस परिचय को आप अपना, आपके पास अगर WPS ऑफिस है मोबाइल पे ऐप तो आप उस पर पे ये सब टाइप करके देख लो, और आप अपना व्हाट्सएप पे अगर आपने सेटिंग कर रखी है लैंग्वेज की तो वहाँ उसे कट पेस्ट करके देखो। तो जब आप किसी को मैसेज, अपने आप को ही मैसेज करके देखो व्हाट्सएप पे, तो आपकी जहाँ जहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी वहाँ वहाँ वो अंडरलाइन होके आ जाएगा, और वहाँ वहाँ जा कर के आप उसको क्लिक करेंगे स्क्रीन टच करेंगे तो आपकी इंग्लिश में
वर्ब की मिस्टेक थी, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक थी या टेंस की मिस्टेक थी, वो अपने आप ये बहुत बढ़िया तरीके से सही कर दिया जाता है। तो आप नेट पे भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे साधन अवेलेबल है। तो आप जो कुछ भी, अगर आपको डायरेक्टली इंग्लिश लिखना नहीं आती है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से हिंदी में अपना परिचय और अपनी क्वालिफिकेशन में क्या बोलेंगे वो लिख लीजिए, और उसको फिर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के साथ साथ उसको आप चेक भी कर लीजिए नेट पे भी, व्हाट्सएप पे भी, और WPS ऑफिस में भी, तो आपकी बहुत सारी गलतियां दूर हो जाएगी। और हमारे साथ में इतने सारे लोग बैठे हैं, तो वो हमारे जो आप अगर मुझे भेजेंगे किसी भी ग्रुप में, तो आपका परिचय हम PGT TGT इंग्लिश का जो ग्रुप अलग से बना हुआ है उस ग्रुप में भी हम वो डाल देंगे, तो वो लोग भी हमारी सहायता करेंगे कि जो हमारे इंग्लिश के विद्वान हैं कहाँ कोई गलती है वो पता लग जाएगा। और दूसरा तरीका है कि जितने परिचय आ रहे हैं मैं यूट्यूब पर डालता जा रहा हूँ, तो उनको भी देखें, उससे भी हमें एक अंदाज़ मिलता है कि अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अपनी बात कैसे रखते हैं। ठीक है समरेश जी, आपने बताया, आप मुझे ये बताइए कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए ही क्यों आना चाह रहे हैं? क्या आपका मैथमेटिक्स पढ़ाने का पहले से ही अनुभव है क्लास 11-12 को, या आप डायरेक्टली पहली बार केवी में आ रहे हैं? बताइए थोड़ा जी। नहीं सर, इसके पहले जब मैंने MSc जिस वक्त कर रहा था सर, मैं उस वक्त मैंने जो है सो मतलब प्राइवेट स्कूलों में पार्ट टाइम मैंने क्लास लिया है सर, 11-12 बच्चों के लिए। और मैथमेटिक्स सर एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि हमको इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है कि वो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को अगर कोई भी बच्चा या कोई भी अगर लोग उसको समझ जाता है सर, बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ने में और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सर मैथमेटिक्स हमको इंटरेस्टिंग लगती है। चलो, आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो अच्छी बात है। देखो, मैं एक बार सभी टीचर्स को ये बोलना चाहूँगा कि अपना सब्जेक्ट सभी टीचर्स को प्यारा लगता है, उसमें उसकी कमांड है, तभी तो वो शिक्षक है और चयनित होके आया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जैसे हमें प्रिय लगता है, जैसे हमें सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर और हमारी कमांड है, बच्चों को भी वैसा ही लगे, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे कि बच्चा गणित के प्रति बिल्कुल भी निर्भय होकर के, और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से गणित में इंटरेस्ट ले। सबसे पहले तो मैं सर बच्चों को मैथमेटिक्स की तरफ इस तरह से मतलब अट्रैक्टिव करेंगे कि उसको इंटरेस्ट जगे, ताकि वो मैथमेटिक्स पढ़ सके। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और उसको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि वो बच्चे को पूरी तरह से एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक उसके समझ में आ जाएगा। तो बच्चा आप ये बताइए कि आपका मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट, या जैसे मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, किस टाइप के कंटेंट पर आपकी ज़्यादा बढ़िया कमांड है, जिस पर आप स्पेशली सोचते हैं कि मैं इसको तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों में रुचि पैदा कर सकता हूँ और उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ? सर ऐसे तो सर मैथमेटिक्स में सबसे अच्छी जो है सो हमको कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और सर अलजेब्रा फैक्टर। अच्छा, चलो ट्रिग्नोमेट्री आपने बताया, ये ट्रिग्नोमेट्री अगर बताया तो आप ये बताइए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, एक्चुअली इसका रियल लाइफ में क्या उपयोग है? बच्चों को आप कैसे बताएंगे इसको व्यक्ति के जीवन से जोड़ के कि इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से, या प्रोफेशनल लाइफ में क्या उपयोगिता है? फंक्शन सर ट्रिग्नोमेट्री जो है सो कोई भी जैसे जैसे 1, 2, 3 जो नंबर होती है, नंबर को तो कोई भी एंगल को, जैसे दो दीवार है, जैसे एग्जांपल के लिए दो दीवार है, दोनों दीवार के बीच में कितनी डिग्री की एंगल बन रही है, यह उसका जो भी वैल्यू आएगी वो सर टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही निकलती है, जिससे उसकी लाइफ में उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि घर की कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग तैयार करते हैं, उसमें भी सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सर जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें भी उसकी एंगल को निकालने के लिए हम लोग उसके ही जरूरत पड़ती है। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं, आपके घर का कंस्ट्रक्शन करते समय बच्चा खुद
वहाँ चेक करता नहीं है, जनरली इंजीनियर करता है, लेकिन ऐसा बताया जा सकता है कि अगर आफ्टर मैथमेटिक्स क्लास 12 के बाद बच्चा अगर सिविल इंजीनियरिंग करता है और उसको ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा बेहतर कमांड है, तो उसका सिविल इंजीनियरिंग वाला जो मकान के नक्शा बनाना, उसका एरिया निकालना और उसको बहुत ही कम से कम जगह में बहुत बेहतर मकान बनाने की प्लानिंग करना, इसमें वो ज़्यादा सक्सेस होगा, है ना? जी सर, है ना। तो उसके मतलब ये मैथमेटिक्स इस तरह से उसकी पूरी ज़िंदगी भर उसके प्रोफेशन में काम आएगा अगर वो सिविल इंजीनियर है। जी सर। इसके साथ साथ एक और बात बताऊँ मैं आपको कि अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, ये नॉलेज हमें होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का हम डिफरेंट नॉलेज बताएंगे इंटरव्यू में तो वो लोग बोलेंगे कि यार ये तो गजब है, बच्चों को 12वीं भी बता रहा है कि क्या कैसे यूज़ होगा मैथमेटिक्स का, है ना। आपने देखा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब आप वो इंजीनियरिंग वाली ड्राइंग करते हैं, है ना, जिसमें थ्री डी वाली ड्राइंग होती है और जॉब से रिलेटेड ड्राइंग होती है और उसमें डाई और पंच बनाना होता है, इंजीनियर को सिखाया जाता है। इवन जहाँ तक इलेक्ट्रिकल या जिस भी तरह की इंजीनियरिंग का कोर्स होता है तो एक प्रॉपर पार्ट होता है उनका ड्राइंग का भी, और वो पार्ट्स से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। तो अगर उसकी ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स अच्छा है, उस पर कमांड है, तो वो जो 3D वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं या और दूसरे टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मशीन की डाई और पंच बनाने का काम मैकेनिकल इंजीनियर जब करता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्यूरेट मेजरिंग के साथ वो बना पाएगा और वो मशीनों को भी उसी एक्यूरेट के मेजरिंग के साथ कंप्यूटर पे डाल के ऑपरेट कर पाएगा। आजकल बड़े बड़े उद्योगों में CNC मशीन होती जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, यहाँ मैथमेटिक्स का काम होता है CNC मशीनों में भी। तो वो बड़ा तरीके से उस मशीन को सेट करके और चालू कर देता है, उसके बाद वो मशीन अपने आप काम करती रहती है, चाहे 10 घंटे का काम हो, 10 घंटे तक वहाँ पे काम करने के लिए किसी की मैकेनिक की ज़रूरत ही नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं, 10 घंटे बाद आके वो इंजीनियर देखता है और अपने आप कंप्यूटर से वो कमांड दे करके अपना काम कर लेता है। मतलब इंडस्ट्री में मैथमेटिक्स का बहुत उपयोग होता है, कंस्ट्रक्शन में मैथमेटिक्स का बहुत उपयोग होता है, निजी जीवन में मैथमेटिक्स का बहुत उपयोग होता है, और इंडस्ट्री में तो जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है उसमें ये सारी चीज़ें होती होती है। आप अगर मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़े हैं और गलती से उधर चले गए आफ्टर 10th, आप 11th 12th का मैथ्स नहीं पढ़े तो भी एक लेवल का मैथमेटिक्स आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा। जनरली जो बच्चे ITI ले लेते हैं, पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो उस टाइप का मैथमेटिक्स में सीखना पड़ता है। तो ये इसके अलावा और बताइए मैथमेटिक्स का और लाइफ में क्या उपयोग है। ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का बताया, ठीक है ना, और कौन कौन से ऐसे एरियाज है हमारी लाइफ के और जिसमें एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकता है, जिसके लिए वो सीखे आपका मैथ्स, बताइए सर। सर, मैथमेटिक्स को लाइफ में अगर हम सुबह से उठकर शाम को रात को सोने तक जाते हैं, मैथमेटिक्स हमारे आसपास से सर घिरी हुई है। अगर हम किसी भी चीज को कैलकुलेशन करेंगे उसमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, कोई अगर हम सामान खरीदते हैं उसको नाप तोल करते हैं उसमें भी सर मैथमेटिक्स की जरूरत होती है, किसी भी बाउंड्री या किसी भी अगर हमको एरिया निकालना हो उसमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। सुबह उठकर हम गाड़ी से अगर कहीं ऑफिस जा रहे हैं या हम स्कूल बस से जा रहे हैं, वो कितनी किलोमीटर पे है, कितनी डिस्टेंस है, उसको भी निकालने के लिए हमको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो मैथमेटिक्स सर हमारे चारों तरफ से अपने लाइफ में सर उसकी सर जरूरत पड़ती है। इसके साथ आपने सामने वाले को उधार दे दिया, कितना उधार दे दिया, ब्याज से दिया या बिना ब्याज से दिया, इसमें भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। आप ATM जाते हैं, ATM से पैसा निकालते हैं तो आपको एंट्री करना ठीक से आना चाहिए, आप बैंक जाते हैं तो बैंकिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको आना चाहिए, और बहुत सारे आजकल तो पैसे कमाने के कई तरह की चीज़ें आ गई है। आपको अगर LIC की किस्त भरना है, आपको बीमा करवाना है, कुछ भी करना है, बिना कैलकुलेशन के आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता। जिस तरह से मोबाइल के बिना आजकल के बच्चे बच्ची या कोई भी नहीं रह सकता है, ऐसे ही मैथमेटिक्स के बिना रहना असंभव है, ठीक है ना। तो बहुत सारे और भी एरिए ऐसे हैं जिससे मैथ, देखो जो समझदार होते हैं, कभी बार क्या होता है कि घर में दरवाज़ा ही फंस गया, अब निकल ही नहीं रहा है,
और उसको मालूम होगा कि इतने एंगल पे ये करेंगे तो इसमें टेबल अंदर चली जाएगी। ये तो मामूली चीज़ है ना, एंगल का नॉलेज, झुकाने का नॉलेज अगर नहीं है तो कई बार बड़े बड़ी अलमारियाँ और टेबल लोग बाहर ही रख देते। लेकिन जो मैथमेटिकल माइंड वाला हो, चाहे लिटरेट हो या इलिटरेट हो, वो अपना जुगाड़ लगा के, अपना अंदाज लगा के उस एंगल से वो मोड़ता है कि चीज़ें सेट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये है, ये आपका अच्छा है कि आप मैथमेटिक्स में ये करना चाहते हैं। आप ये बताइए मुझे, ये मैट्रिक्स जो होता है इसकी लाइफ में क्या उपयोगिता, और ये इंटीग्रल कैलकुलस जो है बच्चा सीखता है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स वाले सवाल, तो इसका क्या लाइफ में या प्रोफेशन में कोई उपयोगिता है क्या 12th में पढ़ने के अलावा? सर साइन इनवर्स और टेन इनवर्स जो होती है, इसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं। इसका यूज सर होता है कि जैसे किसी भी अगर एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, अगर हम उसका ये उसका वैल्यू दिया हुआ है, अगर उसका एंगल निकालो कि कितनी डिग्री पर ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, उसके लिए सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सर जरूरत पड़ती है। अच्छा, उसके लिए मैट्रिक्स का क्या उपयोग है लाइफ में? मैट्रिक्स मैट्रिक्स का उपयोग होता है कि जैसे बहुत हम अगर शेयर मार्केट की अगर बात करें या बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बहुत सारे डाटा मिलते हैं, उस सारे डाटा को एक बॉक्स के अंदर उसको रख के और उसके बाद हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत सारे नंबर तो जो इन्फिनिटी तक चली जाती है, तो उसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सर एक साथ में, लंबा पड़ जाता है, प्रोसेस हो जाता लेकिन है। बच्चे उसके लिए मैट्रिक्स हम मैट्रिक्स मैट्रिक्स के सवाल कई बार नहीं कर पाते हैं, बड़ा कठिन लगता है उनको, मैट्रिक्स की ये दो डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है उनको पता नहीं चलता। इसको बहुत इजी वे में पढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अभी तो हम डेमो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको ये कभी मौका लगेगा तो ब्लैक बोर्ड पे समझाइएगा, पर अभी आप ओरल बता दीजिए कि मैट्रिक्स में बच्चों का इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? सर मैट्रिक्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले सर उसकी कॉलम और रो के अगर किसी बच्चे को पूरी उसकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, तो रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो और कॉलम को किस तरह से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी थ्योरी की अगर नॉलेज उसको परफेक्ट हो जाती है तो उसके लिए मैट्रिक्स सर आसान हो जाती है। अगर ये उसके लिए क्लियर नहीं होगी तो सर वो मैट्रिक्स सर कभी सॉल्व नहीं। अच्छा, मेंसुरेशन का लाइफ में क्या उपयोग है सर? मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति हिंदी में बोलते हैं इसको ना। जी जी सर सर उसका उपयोग है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लॉट है, जमीन है, उस पर हमको अपनी मकान बनानी है, तो उसमें हम जो भी कमरा बनाएंगे, कितने स्क्वायर फीट की कमरे बनाएंगे, उसकी डाइनिंग रूम की साइज क्या रख सकते हैं, किचन की साइज क्या रख, उसमें सर मेंसुरेशन की सबसे बड़ी भूल है। अगर उसमें क्या है, एक छोटा सा एंगल या कोना भी फालतू नहीं रहे, वो व्यक्ति अगर उसको नॉलेज है मैथमेटिक्स का, मेंसुरेशन का, तो वो इतना बढ़िया तरीके से, जितने स्क्वायर फीट का प्लाट है, टेढ़ा मेढ़ा भी है, तो उसका उपयोग बहुत बढ़िया तरीके से वो कर उसको सकता है। 100% उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, हमने बात कर काफ़ी बातें कर ली मैथमेटिक्स के उपयोग के ऊपर, तो हमने ज्योमेट्री की बात कर ली, मेंसुरेशन की बात कर ली, हमने ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस और इसकी भी बात कर ली, आपका जो मैट्रिक्स है, एलजेब्रा। एलजेब्रा के लिए आप क्या कहेंगे सर? एलजेब्रा का क्या लाभ, क्या हानि है? उसमें जो फार्मूलाज होते हैं उनको हल करते हैं सर बच्चे, लेकिन इसका एक्चुअल लाइफ में कोई उपयोग होता है क्या? सर उसके एक्चुअल लाइफ में उसका उपयोग होता है, जैसे कि अगर कोई लंबा डाटा अगर हमको मिलती है और एक इक्वेशन में आ जाती है, हाँ, जैसे किसी का स्क्वायर निकालना हो हमको या उसका क्यूब निकालना हो और हाँ, वो एक अर्थमेटिक में चली जाती है, कोई वैल्यू दी है तो उसको एक्स वाई, मान करके उस वैल्यू का मान भी फाइनली निकाला जा उसको सकता निकालने है। के लिए हम लोग अलजेब्रा की जरूरत पड़ती सही बात कह रहे हैं। अंक गणित का तो हमें मालूम ही है, अंकों का करते हैं, ये इंटरेस्ट वगैरह होता है जिसको हम कंपाइंड इंटरेस्ट, ये भी लाइफ में यूज़ होती है। और कोई ऐसा पार्ट है जो आप बताना चाहेंगे मैथमेटिक्स में कि ये पार्ट और होता है, इसका हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं लाइफ में, जिसकी चर्चा हमने अभी नहीं की है? एक अभिकलन, अभिकलन करके आता है, सर वेक्टर एनालिसिस होते हैं, हाँ, अलजेब्रा होती है। यस यस, एक अभिकलन करके 11th 12th में शुरू हुआ था कंप्यूटर का, संगणक। वेक्टर
कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई चीज अभी मैथमेटिक्स में जोड़ी हुई है क्या कि नहीं जुड़ी है? पहले जब नया नया कंप्यूटर का जमाना आया था तब सारी चीजें उसमें दिया हुआ था, संगणक करके उसमें कंप्यूटर को संगणक करके उसका नाम तो था। नहीं है। चलो अच्छा, आपसे अब ये लास्ट में पूछ रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक्स आपने देखी है क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स की? जी सर। आपने जब पढ़ाया भी है और आपने एग्ज़ाम दिए तो डेफिनेटली एनसीईआरटी की बुक 11-12 की देखी होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर बजाय एनसीईआरटी की बुक्स के अदर राइटर्स की बुक जो है बच्चों को रेफर करते हैं, प्रीफर करते हैं, बताते हैं कि आप ये बुक्स लेके आओ, तो ऐसा क्या है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ नहीं है वो दूसरी बुक में? एनसीईआरटी की बुक 150-200 रुपए में आ जाती है, वो 1000-1200 में आती है। आवाज़ आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है थोड़ी। हमारे सर नॉलेज है, आवाज क्लियर नहीं है सर आपकी। हमारे तो अभी आगे कट रही है, बोलते रहिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर। हाँ बताइए सर। हमारे सर समझ में ये सर ये चीज रहती है कि सर कोई भी टीचर अगर एनसीईआरटी रेफर नहीं करता है और दूसरे राइटर के बुक अगर वो रेफर करता है तो एनसीईआरटी होती क्या है सर, शॉर्ट टर्म में रहती है। कोई भी उसका कॉन्सेप्ट हुआ या उसका लैंग्वेज भी है तो बहुत जगह समझ में नहीं आती है, क्वेश्चनों की संख्या उसमें कम रहती है, तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि बाहर के अदर राइटर की बुक को उठाते हैं जिससे कि साथ बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सके। लेकिन इसमें ये परेशानी देखो, कोई भी टीचर जो गवर्नमेंट का सर्वेंट है वो एनसीईआरटी की बुक्स का के लिए मना नहीं कर सकता और दूसरे राइटर की बुक्स के लिए वो रेफर नहीं कर सकता। ये तो फिर वो दूसरी संस्था का या कंपनी का एजेंट बनना हो जाता है और ये अगेंस्ट द रूल है जो सर्विस है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखना, इंटरव्यू में अगर पूछ ले तो वहाँ हमें एनसीईआरटी की किताबों की जो विशेषता है वो बताना है। कमी तो आपको बताना ही नहीं है, कमी बताई तो वो निगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी, है ना? ठीक है, दूसरे बहुत सारे राइटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हैं। देखो जितने भी एनसी सिलेबस तो एनसीईआरटी का ही होता है, उसी बुक में से क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। क्वेश्चन पेपर सेटर दूसरी किताबों का उपयोग कभी नहीं करेगा, है ना? अगर वो करेगा तो फिर एनसीईआरटी का मतलब क्या? हाँ हाँ सर, प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग एग्जाम्पलर भी यूज करा सकते हैं ना। नहीं, प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी करो लेकिन लीगली आप बच्चों को बाउंड नहीं कर सकते कि आप इस राइटर की चलिए ठीक है, हमने काफ़ी ले लिया अभी इंटरव्यू हमारा मैथमेटिक्स का, आपने जवाब दिया सभी चीज़ों का, है ना? सर एक क्वेश्चन सर मेरा सर एक क्वेश्चन था, बोलिए। एक मिनट, अभी समरेश जी से बात हो रही है, उनसे बात करने दीजिए पहले, ठीक है? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर, अगर हम डेमो क्लास देने जाएंगे तो सर क्या हमको एनसीईआरटी की बुक को देंगे क्या वो लोग पढ़ाने के लिए? देखो अभी जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इससे संबंधित सारे इंस्ट्रक्शन आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में रहेंगे। आपको कोई भी टॉपिक तैयार करके ले जाना है, बुक ले जाना है, नहीं ले जाना है, कैसे डेमो देना है, क्लासरूम के बीच में देंगे या उन्हीं इंटरव्यू बोर्ड के बीच में देंगे, ये सारी चीज़ें अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगी, ठीक है? जब अब तब तक इंटरव्यू कॉल शायद आने लगे। चलो अभी समरेश जी आपने इंटरव्यू दिया, हमने कुछ स्पेशली आपसे क्वेश्चन और है सर मेरा। ले लो भाई, सर एक क्वेश्चन मेरा एक और है। हाँ बताइए। सिंगल वन क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन सर। बोलिए बोलिए सर। कि अगर मॉक इंटरव्यू अगर खराब चले जाए, डेमो अगर अच्छी हो जाए तो क्या सर मार्क्स वहाँ पर उठ सकती है? नहीं नहीं, डेमो देखो आपका जो इंटरव्यू है वो ऐसा होता नहीं जनरली, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, है ना? ये विवेक कौन है भाई, पता नहीं। मैं ये बोल रहा था, देखिए
मैं बताना चाह रहा था आपको कि मॉक इंटरव्यू, ये मॉक इंटरव्यू तो हमारा चल रहा है, उनका जो इंटरव्यू है जो वहाँ देंगे वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, लेकिन अपनी झांकी आप अगर उसमें जमा दो, जो आपका क्लासरूम टीचिंग है और सारे बच्चे और सब देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाए, तो आपका उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपकी कोई निगेटिव आपके बारे में कोई थिंकिंग होगी तो वो काफ़ी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, अब आपका ये आखिरी प्रश्न था और आपसे क्वेश्चन है सर जो अभी, थैंक यू सर। हाँ अरे एक मिनट समरेश जी, तो मैं ये बता रहा था कि आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दिए, लेकिन इसमें और बहुत सारी बातें मैंने भी जोड़ी, उनको भी आप प्लस कर लीजिए और आने वाले टाइम में कल परसों नर्सों में जो पीजीटी मेस का इंटरव्यू देंगे उनको भी आप वाच करेंगे। अभी हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा किए, व्यावहारिक क्वेश्चन ज़्यादा किए, कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं दूसरे कैंडिडेट के साथ करूंगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट के साथ सारे क्वेश्चन हो गए तो इंटरव्यू तो एक घंटे तक चल सकता है। हमने जो एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए इंटरव्यू का, उस टाइम में आपका इंटरव्यू ओवर कर दिया है, ठीक है ना। और इसमें पता भी लग जाता है कि व्यक्ति कैसा है, कहाँ तक है आपका, आपका जो इंटरव्यू जहाँ तक मेरे हिसाब से रहा है ये अभी गुड है, गुड की कैटेगरी में आता है। अभी आप इसको एक हफ्ते बाद वेरी गुड में ले जाइए और इंटरव्यू आते आते तब एक्सीलेंट वे तक आप ले जाएंगे, ठीक है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं समरेश जी। सर एक क्वेश्चन था सर अभी जो इंटरव्यू से रिलेटेड सर, पूछ सकता हूँ? हाँ वो पूछो भाई, सैंडी साहब पूछिए। सर वो जो आपने जो है सर एनसीईआरटी बुक की बात की सर, तो सर अगर रियलिटी में देखा जाए तो सर एनसीईआरटी में कई सारी कॉन्सेप्ट दिए नहीं रहते हैं सर, लेकिन बस वो हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता है सर। यार एक सेकंड, मुझे आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, आपका नाम क्या? आनंद प्रेम क्या है? मोहम्मद अहमद सर। मोहम्मद अहमद जी, हाँ बताइए बताइए। सर आपने मेरा नाम लिया था एनसीईआरटी की जो बुक की सर आपने बात की सर, उसी से रिलेटेड इसे जो पूछा था सर आपने कि एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक क्यों यूज करते हैं, तो सर अगर एनसीईआरटी को देखा जाए सर तो एनसीईआरटी में सर छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस तो कर देता है सर, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सर नहीं बताता है। एक सेकंड, आप मुझे एक एग्जांपल बताओ, टॉपिक बताओ कि उसमें ऐसी परेशानी हुई कि उसमें एनसीईआरटी की चीज को परफेक्ट। सर अभी मैं क्लास 5 का एक चैप्टर है मैथ्स का 10th and 100th। क्लास 5 की बात नहीं यार, मैं 11th 12th की बात कर रहा था, उसमें बड़े दूसरे राइटर की। क्लास 5 में तो आप जो अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे बहुत कुछ अपने लेवल पे उसमें करवा सकते हैं। नहीं सर हायर क्लासेस में भी देखा सर, तो सर मुझे क्लास, सुनो सुनो, मुझे क्लास 11th 12th का एग्जांपल बताओ आप कोई ऐसा। अगर ऑप्शंस नहीं होते हैं प्रैक्टिस के लिए, नहीं अगर आपके ध्यान में, तो देखो एक बात फिर मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अगर शिक्षक ट्रेंड है, बहुत सारे इन सर्विस कोर्स होते हैं, बहुत सारी इन सर्विस ट्रेनिंग होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, कॉलेज के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर आते हैं, और अच्छा शिक्षक वो होता है जो एक टाइप के क्वेश्चन उनकी वैल्यूज चेंज करके खुद 10-20-100 क्वेश्चन बनाए और उनको सॉल्व करवाए और उनकी आंसर शीट भी वही बनाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय किसी की बनी बनाई चीज़ को महंगे दाम पे खरीद कर प्रैक्टिस करने से। हाँ एक आध बुक लाइब्रेरी में रखी जा सकती है, लेकिन सारे बच्चों को मजबूर करना कि ये 800 रुपये वाली किताब तुम खरीदो और उस बच्चे की औकात नहीं है और वो बच्चे के पेरेंट्स को दबाव डाल के वो किताब खरीदेगा, फिर और उससे जुड़ी सीरीज़ खरीदेगा, और फिर अगर ये चीज़ अगर प्रूफ हो गई तो वो नौकरी तो जाएगी, उल्टी जेल भी हो सकती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट होकर के इस तरह की नॉन गवर्नमेंट चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो जाएगा और अगर इंटरव्यू में ये बोल दिया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इसलिए हमें ध्यान रखना है। देखो उनकी, उनको वो जो आपसे बुलवाना चाहते हैं वो आपकी जैसी चीज़ को पसंद करते हैं वैसी चीज़ बोलिए, आप वहाँ अपना कानून, वहाँ हम कोई वकील नहीं हैं कि हम वहाँ पे अपना जज के सामने अपना पक्ष जीतने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, हम वहाँ साक्षात्कार देने जा रहे हैं, तो वो साक्षात्कार क्या उसको चाहिए, वो क्या पसंद करता है एक्चुअल में, तो वो चीज़ आपको उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। और फिर अपना, मैंने बोला ना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ कीजिए, ठीक है, तो बहुत बेहतर रहेगा। आपने देखा होगा लड़के लड़कियों की जब शादी होती है तो लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, अगर कहीं लड़के की कोई आदत ख़राब भी है तो कोई बताता है क्या?
ये किस टाइम उठता है, किस टाइम सोता है और क्या क्या करता है, उसकी प्रशंसाएँ प्रशंसाएँ होती है। और लड़की की तो सोचिए ही मत, अगर चाहे आपने गुलाब जामुन और समोसे और पकोड़े बाज़ार में किसी बढ़िया क्वालिटी वाले की शॉप से मंगाए और बोलेंगे हमारी बेटी ने बनाया है, लाओ बेटी जरा लाओ तुमने सुबह बनाए थे, है ना, तो कहने का मतलब ये। फिर बाद में बेटी मायके से ससुराल चली जाती है, फिर मम्मी को फ़ोन करती है, मैडम हलवे का इंग्रेडिएंट क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो शक्कर के बूरे की जगह नमक डाल दे तो ससुराल वाले नमकीन हो जाए सारे के सारे। तो ये इस तरह की चीज़ होती है। तो भाई मालूम है कि हमें अगर रिश्ता बनाना है, जैसे लड़के लड़की का रिश्ता बनाने के लिए कॉमन मिनिमम बॉन्डिंग होती है ना प्रोग्राम, ऐसे ही अगर आपको साक्षात्कार देना है लाल तो केवीएस से रिश्ता बनाना दे देखना आपका जो है ये निशी भाग केवीएस के पहले कहीं और रिश्ता हो जाए तो क्या कह सकते हैं, ठीक है केवीएस ही रिश्ता बनाना सर हमारी भी प्रॉब्लम सुन लीजिए सर। केसर परवीन आप ओके ओके वन मिनट सुनो आप, आप मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने से पहले अगले इंटरव्यू के लिए मुझे हाँ भाई मोहम्मद शमशाद आप कौन सा इंटरव्यू देना चाह रहे हो सर? फिजिकल एजुकेशन के लिए। फिजिकल एजुकेशन ये भी एक अच्छी चीज़ है, फिजिकल एजुकेशन का इंटरव्यू हमने नहीं लिया है। एक सेकंड मोहम्मद शमशाद को थोड़ा सा मुझे, किधर हो भाई मोहम्मद शमशाद? एक सेकंड यार, हाँ हाँ अभी दिखे थे फिर गायब हो गया। अरे अरे मोहम्मद ये हक वाला है क्या सर? चश्मा चश्मा यस सर चश्मे वाले हैं वो, चश्मे वाले। एक मोहम्मद अफाफ हक ये कौन है सर? सर हाँ मैं सर थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेना सर एक। अरे यार वो मोहम्मद शमशाद हमें नहीं दिखाई दे रहे भाई, ऊपर ही है ऊपर ऊपर नहीं दिखाई दे रहे। ये सबकी स्क्रीन में अलग अलग रहता है ना सर, अभी क्वेश्चन पिन कर दो सर। अरे एक सेकंड में मोहम्मद शमशाद को मुझे थोड़ा सा देख लेने दो, मुझे दिख नहीं रहा है और मैंने भी चश्मा लगाया नहीं है। मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ अभी आपका हाथ जी, आपके पीछे लाइट की वजह से आपका फेस क्लियर दिखा रहे हैं सर। ये है क्या ये? हाँ हाँ शमशाद जी बार बार इनविजिबल हो जा रहे हैं, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, जब तक चेहरा नहीं दिखेगा तब तक इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना सर? तब तक एक क्वेश्चन ले लीजिए सर। हाँ एक सेकंड क्वेश्चन, मोहम्मद अहमद एक है यार, आप शमशाद का तो इधर एक सेकंड आए यार आगे और फिर चले गए आप। अरे सबसे ऊपर तो है सर, ब्लैक कॉलर सर, व्हाइट शर्ट है, ब्लू बैकग्राउंड है सर। आ गए मोहम्मद शमशाद, आ गए भाई। चलिए सुनो 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 मोहम्मद शमशाद जी, आपको बोलने दीजिए एक बार, हमें भी मौका दे। रेस्ट ऑफ यू सर प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ सर सभी लोग प्लीज अभी 10 मिनट बाद सबको मौका देंगे, 10 मिनट में इनका इंटरव्यू हम खत्म करते हैं, ठीक है ना? और 10 से 15 हो जाए तो आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना? नहीं तो अब हम फिर जूम वूम से लेने का चक्कर शुरू करेंगे कल से, ताकि उसमें सर आई एम पाइप इन पाइपलाइन सर। हाँ हाँ आपके पाइपलाइन में भी निकाल लेंगे। चलो चलो शमशाद जी भाई पहले भी पूछ लिया है। ओके मोहम्मद शमशाद जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप पहले तो अपना पूरा बढ़िया से इंट्रोडक्शन दीजिए। आप आपकी एंट्री बीच में एक हीरो की तरह हुई है, देखते हैं क्या चलता है, बताइए। यस सर वेल ट्राई माय सर। हां सर माय नेम इज मोहम्मद शमशाद, द वर्ड शमशाद मींस पाइन व्हिच इज अ टॉल एंड ब्यूटीफुल ट्री। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली फ्रॉम वेयर आई हैव डन माय स्कूलिंग। आफ्टर दैट आई डिड माय बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देन आई डिड माय बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी where I will be awarded the university gold medal for merit. Just after that I got a chance to serve as a physical education teacher in Jawahar Navodaya Vidyalaya Nizamabad Telangana on contractual basis, where I worked for nearly 2 months. Apart from my experience in academic,
I am medalist and successfully participated in various rope skipping competitions. My hobbies include playing with my niece and rope skipping. Okay, Shamshad ji, आपने क्या BPED के बाद MPED भी किया है? No sir. BPED तक किया है. ठीक है, ठीक है. आप आपका एक्सपीरियंस कोई अदर इंस्टीट्यूट में एज ए PhD है क्या? यस सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर इन जवाहर नवोदय विद्यालय JNV. कितने साल का है सर? टू मंथ्स. ओनली 2 मंथ का? इसके पहले कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में थे आप? नो सर, नो. मतलब ओनली 2 मंथ का एक्सपीरियंस आपको है? यस सर. तो आप बताइए, इस 2 मंथ में आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या किया? आपने डिपार्टमेंट में अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. सर, जवाहर नवोदय विद्यालय एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो उस वजह से वहाँ पर मॉर्निंग PET जल्दी शुरू होती है फ्रॉम 5:30. तो उस वजह से मेरे को वहाँ पर जल्दी उठना पड़ता था और बच्चों को PET करानी पड़ती थी. देन उसके बाद जैसे एक नॉर्मल डे स्कॉलर में होता है कि मॉर्निंग असेंबली होती है, देन उसके बाद जो भी असाइन वगैरह अलॉट होते हैं उनको हम लेते हैं एज अ थ्योरी सब्जेक्ट और एज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. अच्छा, हम छोटी छोटी बात से शुरू करते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में एक PhD का, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का क्या रोल होता है? सर, मॉर्निंग असेंबली में सर, इन द केस ऑफ सर, वहाँ पर बेसिकली ये डिसिप्लिन का ड्यूटी रहता है. इसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज. नहीं, आप स्टेज से, आप स्टेज से बच्चों को कमांड नहीं देते है ना? सावधान, विश्राम, स्टैंडिटीज वगैरह नहीं करवाते हैं क्या? सर, इन द केस ऑफ JNV देयर इज अ हेड बॉय एंड हेड गर्ल फॉर दैट. हेड बॉय नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम हेड बॉय एंड हेड गर्ल्स मे बी देयर, बट इफ स्ट्रिक्टली अनाउंसमेंट जब आपको करना है तो आप ही को वहाँ पे जा कर के स्टेज को कमांड करना पड़ेगा. yes, है ना? और पूरे दिन भर में आपके जो भी पीरियड फ्री होते हैं उसमें आपको मैदान में भी देखना रहता है और पूरे स्कूल में भी एक आध राउंड लगाना पड़ता है. ये फिजिकल एजुकेशन टीचर की स्पेशल ड्यूटी होती है कि टॉयलेट्स के आसपास, बॉयज़ गर्ल्स टॉयलेट के आसपास, ये जो बच्चे मंडराते रहते हैं बिना मतलब के टीचर से परमिशन लेके चले जाते हैं. और आपको एक बात बता दूं मैं कि हर स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर बेचारा इसलिए भी बदनाम होता है कि जो बच्चा कहीं नहीं मिलेगा स्कूल में वो PhD के पास मिल जाएगा. पढ़ाई वढ़ाई में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और वो PhD से बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, तो उसका एक कारण भी होता है कि PhD उन बच्चों के साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है, उनको कुछ भरोसा दिलाता है, दोस्ती टाइप हो जाती है और वो PhD के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल करके और बेटर वे में उसके एज ए फ्रेंड टाइप मतलब व्यवहार हो जाता है. कभी कभी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, है ना? मतलब एवरीथिंग शुड बी इन लिमिट ओनली, है ना? जहाँ भी और भी थोड़ी चीज़ एक्सेस होगी तो फिर वो अपनी ओर से ही इनडिसिप्लिन शुरू हो जाएगा और मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है ना? इसलिए एक डिसिप्लिन, और सेंट्रल स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होता है वो डिसिप्लिन कमेटी का इंचार्ज भी होता है. उसको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ का इंचार्ज बनाया जाता है. अब को आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, केंद्रीय विद्यालय में आपका कहाँ पोस्टिंग मिलेगी ये डिसाइड नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि 5 से 10 एकड़ का केंद्रीय विद्यालय है और उसमें 2-3 एकड़ ज़मीन जो केवल आपके प्लेग्राउंड के लिए है और वहाँ पर ग्राउंड तो है लेकिन कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं है कि अब उस वहाँ के उसको बहुत सारे तरह तरह के प्लेग्राउंड में या उसमें बदला जाए, तो आप बताइए कि उस प्लेग्राउंड का उपयोग आप कैसे करेंगे? अगर उस स्कूल में करीब 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 सेक्शन का स्कूल है और आपको बोल दिया कि आप अपना प्लानिंग कीजिए प्लेग्राउंड डेवलप करने का, तो बच्चों की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, इसका अनुमान आप कैसे लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उस प्लेग्राउंड को आप कैसे डेवलप करेंगे? सर, इसमें 2 बातें हैं. एक तो बच्चों के, सबसे पहले तो बच्चों के इंटरेस्ट को देखा जाएगा कि बच्चा किस गेम में इंटरेस्टेड है. देन इंटरेस्ट को देखने के बाद जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिन रिसोर्सेज में हम वो चीज़ बेहतर कर सकते हैं तो उसको विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट. जैसे कि सर, हम खो खो, अगर हमारे पास लैंड कम है तो हम सर खो खो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सर कबड्डी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बैडमिंटन का कोर्ट हम
उस पर्टिकुलर टू जो आप डिस्टेंस बता रहे हैं उसमें उसको कवर कर सकते हैं पानी। यस, एक और बात मैं आपको ये बताओ, लेकिन आप जो कह रहे हो ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि बच्चे को आप इंटरेस्ट इसमें है, ये पूरे 1000 बच्चे हैं या क्लास 3-4-5 से शुरू होता है, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के गेम्स आपको करवाना होते हैं, तो आप कैसे लिस्टिंग करेंगे, कैसे बच्चों की चॉइस आपको पता लगेगी और कैसे ये पता लगेगा कि ये बच्चा जो है बहुत ही बढ़िया है मतलब इस गेम में या इसे इंटरेस्ट रखता है, तो इसके लिए आप लिस्टिंग कैसे करेंगे, चयन कैसे करेंगे उनका? सर इसको सर हम इनफॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक फीडबैक फॉर्म भरवा सकते हैं, पर अगर ये नहीं है तो सर हम एक जैसे कोई थ्योरी सब्जेक्ट की क्लास हो रही है या फिर कोई प्रैक्टिकल क्लास हो रही है तो सर उसके दौरान हम या फिर कोई स्पोर्ट्स डे एनुअल ऑर्गेनाइज हो रखा है तो उसमें उसके टैलेंट को देख करके। नहीं, इसमें आपकी पहली बात ज़्यादा सही है, आप उसको मैं बता दूँ अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आए तो आपको कैसे करना है कि आप एक फॉर्म बनाएंगे हर क्लास के लिए, एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 बच्चे होते हैं, 45 होते हैं, तो सब बच्चों के नाम रहेंगे, उसके सामने 4-6 कालम रहेंगे, आप एक स्पोर्ट्स कमेटी होगी उसको साथ में लेके डिसाइड करेंगे कि हम बच्चों की चॉइस ले लेंगे कौन सा बच्चा कौन से गेम में चॉइस रखता है, तो सबके साथ ट्रांसपेरेंसी हो, पॉस्टुलिटी ना हो, इसलिए एक जैसा रूल बनेगा कि भाई दो इंडोर गेम्स और दो आउटडोर गेम्स, बच्चे अपनी रुचि और अपने एप्टीट्यूड एटीट्यूड के अकॉर्डिंग उसमें फिल कर दे, तो आपके पास हर क्लास का डाटा फॉर्म में आ जाएगा, 20-25 कागज़ में आपके पास एक फाइल बन गई, ठीक है ना। अब आप उसमें से सॉर्टिंग कर लेंगे कि कितने बच्चे कबड्डी में, कितने खो खो में, कितने वॉलीबॉल में, बैडमिंटन में, मान लो बास्केटबॉल में आपके बच्चे एक टीम भी नहीं बनी और आप वहाँ बास्केटबॉल का ग्राउंड डेवलप करवाने में 10 लाख रुपये खर्च करवा दिए आपने, तो वो बेकार हो जाएगा काम आपका, इसलिए आप पहले इस तरह से बच्चों की विलिंगनेस लेंगे, आफ्टर टेकिंग विलिंगनेस आप उसकी सॉर्टिंग करेंगे और सॉर्टिंग करने के बाद आपके पास डाटा आ जाएंगे गेम वाइज, क्लास वाइज एंड एज वाइज, ठीक है ना, अंडर 14, 17, 19, और ये आने के बाद आपको लगेगा कि यार बच्चे बहुत सारे कबड्डी खेलना चाहते हैं, कबड्डी का कोई प्लेस अलग से नहीं डिसाइड है, बच्चे खो खो खेलना चाहते हैं, खो खो के प्ले वो पोल नहीं लगे हुए हैं, बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं लेकिन ये नहीं है, बच्चे ढेर सारे चेस में आ गए, कैरम में आ गए, इंडोर गेम में आ गए लेकिन इंडोर गेम में हॉल में वो सब व्यवस्थाएँ नहीं है, फिर आपकी प्लानिंग शुरू होगी कि इतने बच्चे हैं आपको इस तरह का ये चीज़ें इंडोर में और ऐसे आउटडोर गेम्स के लिए बनाना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेग्राउंड को डेवलप करना है। आया समझ में सर? यस सर। यस, तो ये एक अच्छे पीएचई की प्लानिंग होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये तो शुरुआत है, अब आप बताएं आपको केवी और जवाहर नवोदय के मालूम है क्या कि स्कूल लेवल से लेकर के जो SGFI तक जाते हैं बच्चे, नेशनल गेम्स तक जाते हैं, तो क्या होता है, कैसे होता है, कुछ सिस्टम बताया आपको? नहीं सर, इसके बारे में सर मेरे को पता नहीं है। पता नहीं है तो ये हम बता देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो स्कूल लेवल पे जो 4 हाउसेस में बच्चे बटे होते हैं, 4 उसमें मालूम है सभी को पता है कि हर स्कूल में 4 पार्ट में बच्चों को बता दिया उन हाउस सर, पता है। ओके ओके ओके, रमन टैगोर शिवाजी। हाँ हाँ, तो मैं आपको ये इंटरव्यू ओवर करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, उसमें आप सब लोग ध्यान से सुन ले, ये किसी से भी पूछा जा सकता है और उसमें ये भी हो सकता है, अब आप लोगों की आवाज़ थोड़ी सी देर बंद रहेगी, मैं आपको डिटेल आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप बेहतर तरीके से समझ लें, है ना। देखिए केंद्रीय विद्यालय में ये ठीक है, रमन टैगोर STAR करके रहता है, सुभाष टैगोर, अशोक और रमन स्टार, लेकिन ये गंगा जमुना कावेरी ऐसे करके भी हो जाता है, कोई भी इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग 4 हाउस बना लिए जाते हैं और 4 हाउस में स्कूल के सारे बच्चे बटे होते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिए, ये सभी स्पोर्ट टीचर के लिए है, क्योंकि प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा ठीक से, नेशनल लेवल तक नहीं जाएंगे, है ना। तो इसमें प्लानिंग क्या होती है कि आपको मालूम है कि अप्रैल में या जुलाई अगस्त में केंद्रीय विद्यालय के बच्चे क्लस्टर लेवल पे खेलने जाते हैं, फिर क्लस्टर लेवल से रीजनल लेवल पे मान लो टीम लेके जाते हैं, तो रीजनल लेवल की ये डेट है, क्लस्टर लेवल की ये डेट है और ये गेम्स है, इसके लेटर ऊपर से आ जाते हैं,
ठीक है ना, फिट इंडिया प्रोग्राम के तहत पीएचई को बहुत सारे ऐसे काम करना रहते हैं। तो अब बात यह है कि आपको अगर मालूम है कि अगस्त के लास्ट में फुटबॉल का मैच होना है, जुलाई के लास्ट में खो खो का होना है, 15 अगस्त के आसपास आपका टेबल टेनिस बैडमिंटन होना है, या 15 जुलाई को क्रिकेट होना है, या एथलेटिक्स का जो भी है, तो आपका जो गेम रीजनल लेवल के लिए आप जो टीम भेजने वाले हैं जिस डेट को चयन करना है उसके 15 दिन पहले की डेट, या कम से कम 15 दिन पहले की या एक महीने पहले की डेट आप अपने स्कूल में इंट्रा स्कूल इंट्रा हाउस और इंटर हाउस कंपटीशन के लिए फिक्स करेंगे। आप पीएचई की ड्यूटी होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर की कि वो कैलेंडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही बना लेता है कि, और वो उसे इस तरीके से बनाना है जिससे कि हमारे स्कूल लेवल पर पहले हाउस के अंदर इंट्रा हाउस में सारे बच्चों को खेलने का मौका मिले, और एक हाउस के जो बेस्ट बच्चे किसी गेम में आते हैं वो फिर इंटर हाउस में दूसरे हाउस के बच्चों के साथ खेले, और इन दोनों हाउस के बच्चों को मिलाकर के जिन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें पिक एंड चूज टाइप वाला मामला नहीं होना चाहिए, दो तीन जज को आपको बनाना है जो निष्पक्ष ये काम करें। तो ऐसी जब अलग अलग गेम की एक टीम बन जाती है तो उन टीम की प्रैक्टिस के लिए फिर आप 15 दिन बाद रीजनल में जाना है तो 15 दिन 10 दिन आप उसकी तैयारी करवाएंगे, और सिस्टमेटिक वे में अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो टीम है वो टीम जब इंटर स्कूल या रीजनल लेवल तक या क्लस्टर लेवल तक खेलने जाएगी तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। कई स्कूलों में क्या होता है, ये सब कंपटीशन ठीक से करवाते नहीं है, पीएचई को फुर्सत रहती नहीं है, वो घूमता रहता है, प्लानिंग करने का मन नहीं है, और जो जिसकी एज ज़्यादा हो जाती है वो तो और भी कोशिश करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर प्लानिंग बढ़िया होगी तो बच्चे नेशनल तक जाएंगे, रीजनल से भी नेशनल लेवल के लिए टीम बनती है, फिर SGFI में भी बच्चे पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो बच्चों को गोल्ड मेडल मिलते हैं डिफरेंट टाइप के। और एक पीएचई का सक्सेस, उसकी सफलता इसी बात में है कि उसके स्कूल से कितने बच्चे नेशनल लेवल तक या स्टेट लेवल तक गए और कितने प्राइज़, कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लाए। तो ये स्कूल लेवल के आपका पूरा मैंने बता दिया, और आपको जो क्या क्या प्लानिंग करना है, एक्टिविटी ऑफ कैलेंडर कैसे करना है, ये सब बता दिया। और एक बात ध्यान रखिए, इसी के साथ साथ अप्रैल में ही जब आपको मालूम हो गया कि ये बच्चे ये गेम खेल रहे हैं तो आपको फिर लिस्टिंग करना है कि आपको ये बैडमिंटन कोर्ट के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, इतने कैरम बोर्ड चाहिए, इतने चेस बोर्ड चाहिए, फिर इतने टेबल टेनिस, इतनी वॉलीबॉल, इतनी फुटबॉल आपको चाहिए, तो आप उसकी एक लिस्टिंग करेंगे नेट से, अच्छी कंपनियां जो भी प्रॉपर हो उसका आप वैल्यू देखेंगे, और आप एक रिक्विजिशन फॉर्म भरेंगे जिसका नाम होता है वो मांग पत्र या रिक्विजिशन स्लिप, और वो फिर आप एक एप्लीकेशन के साथ ऑफिस में देंगे कि हमें यह सामान चाहिए, और आप खुद उसके स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी के साथ बैठ करके जेम पर परचेस कर सकते हैं, और जो भी बायर रहता है स्कूल का उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के। और सबसे बड़ी बात यह कि स्कूल का लाभ देखते हुए स्कूल की चीज़ आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपको परचेसिंग करना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, नहीं तो अभी दो इंटरव्यू हमारे आज लगभग हो गए हैं, एक मैथमेटिक्स समरेश जी के साथ और दूसरा हमारा जो है मोहम्मद शमशाद जी के साथ पीएचई का, है ना। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर के की और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हमने जो चर्चा की इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और क्या क्या आता है, बताइए जी सर। सर सबसे पहले तो सर डिसिप्लिन, ये हो गया, ओवरऑल डिसिप्लिन इंचार्ज होगा वो सर। दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं और जो सर फेलो टीचर्स हैं उनकी हेल्थ और उनकी फिटनेस का भी सर उसके पास जगह होता है, बिल्कुल सर। तीसरा सर मैं कहना चाहूंगा सर, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके सर क्लास टीचिंग ड्यूटीज भी होती है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट भी देयर वहाँ पर होता है क्लास 11 क्लास 12 के लिए। यस यस, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ध्यान रखिए कि फिजिकल एजुकेशन टीचर एक्चुअली TGT के कैडर में आता है, ठीक है ना,
और क्लास टेंथ के बाद कुछ बच्चे स्कूल के फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, वो उनका सिक्स सब्जेक्ट होता है। तो ये एक्सपेक्टेशन पीएचई से किया जाता है, ड्यूटी भी उनको दी जाती है कि आपको क्या करना है कि ये जो 11 के बच्चे हैं इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, कापियाँ चेक करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, एग्ज़ाम लेना है, एवरीथिंग करना है जैसे अदर रेगुलर सब्जेक्ट का होता है। तो कई पीएचई नौकरी के बाद अड़ जाते हैं कि मैं तो टीजीटी हूँ, 11-12 को तो पीजीटी पढ़ाता है और मैंने तो इसमें पीजी नहीं किया है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, और इस बात को लेकर के फिर उनको उनसे जवाब तलब होते हैं, बात ऊपर तक जाती है और मामला बिगड़ जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या जवाब देंगे, क्या आपको ये सब पढ़ाना पड़ेगा तो आप क्या बोलेंगे? नहीं सर, पढ़ाना पड़ेगा सर, वो भी है, लेकिन सर आई एम एबल कि मैं पढ़ा सकता हूँ और मेरे को इंटरेस्ट भी है सर। हाँ, आपको एक बात बताऊँ मैं, आपको एक फॉर्म भराना पड़ेगा तो उसमें ये भी लिखना है कि आप इस अपने पोस्ट के लिए खुद को सुटेबल क्यों समझते हैं, क्या करेंगे। उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि आई एम कैपेबल टू टीच फिजिकल एजुकेशन इवन अप टू 12th, ठीक है ना? तो ये आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है चयन के लिए, क्योंकि 10th तक तो बंदा पढ़ाएगा ही, 11-12 को भी पढ़ाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आंसर हो गए, फिर अगला और कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर से कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, है ना? तो ये दो लोग हो गए हैं। अभी हमारे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में थे आनंद मौर्य वगैरह, आप रेडी हैं क्या? बीच में एक मिनट का गैप देते हैं, कुछ लोगों के जो क्वेश्चन है बड़े बेताब हो रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। सर ग्रेजुएशन में तो फिलॉसफी और इंग्लिश है। एक मिनट रुको, मुझे मोहम्मद शमशाद जी से आपको कुछ और कहना है सर जी? मोहम्मद सर। यस सर, सर एक क्वेश्चन था सर। बोलिए सर, मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं सर वो केबीएस में वर्किंग है सर। कहाँ पे? केंद्रीय विद्यालय तलाशेरी सर। हाँ, आपने सर मुझे यहाँ पर ये कोट करना चाहिए क्या चीज कि सर मेरा एल्डर ब्रदर जो है वो केवीएस में वर्किंग है, मैं नहीं, केवीएस नहीं, नहीं, नहीं अब जब वो देखो, अब जब वो आपसे फैमिली के बारे में पूछेंगे और जब फैमिली मेंबर्स में आप अपने एल्डर ब्रदर का बताएंगे तब बता सकते हैं, लेकिन अपने को आगे रह के प्रोजेक्ट नहीं करना है। हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करना है कि मैं ऑलरेडी केवी के एक परिवार का मेंबर हूँ और मैं केवीएस को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। ये हमें कोइंसिडेंसली बताना है और इसको बताने के लिए अवेयर भी रहना है कि जैसे ही मौका मिले तो हम इसको कहाँ सुटेबल तरीके से इस चीज़ को डाल सके, उनको बता सके। अपने से प्रोजेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना? आपका माइक म्यूट था। यस सर, एक क्वेश्चन सर मेरा और है। तो आपके भाई साहब जो है उनको बोलना, मुझे व्हाट्सएप तो करे, नंबर दे, बात करे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान ग्रहण करना रहता है फिजिकल एजुकेशन टीचर से, मेरा भी बहुत इंटरेस्ट रहता है एक्चुअल में, ठीक है ना? यस यस सर, एक क्वेश्चन सर मेरा ये था, सर लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। मेरे एक ब्रदर हैं मतलब वो उन्होंने एग्जाम दिया है पीआरटी का और वो काफी लंबे समय से वगैरह दे रहे हैं सर, वो क्या ट्यूशन को एक्सपीरियंस देकर के इंक्लूड करना चाहिए इंट्रोडक्शन में? देखो, ट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है वो आप ट्यूशन के नाम पर ना करें, बच्चों की हेल्प के नाम पर करें कि मैं हमारे आसपास के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, वो डिफरेंट टाइप की क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और जब पढ़ा करके उनका परिणाम अच्छा आता है तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है उनके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती है, तो उनके चेहरे की खुशी देख करके, उनके माँ बाप की सेटिस्फेक्शन देख करके मुझे भी इंटरनली जो चीज़ें फील होती है इससे मैं अनुभव करता हूँ कि टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन और मुझे रेगुलर टीचिंग में आना चाहिए, ठीक है ना? सर, ओके, अब यही, अब यहाँ ओवर, शमशाद जी का इंटरव्यू ओवर हो चुका है, ठीक है ना सर? ये जो भी स्क्रीन पे दिखाई देगा उसके क्वेश्चन लिए जाएंगे बिना स्क्रीन के क्वेश्चन। सर ट्यूशन को स्कूल की फेलियर, पूनम यादव जी का एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर मैं। हाँ, 1x1 एक मिनट, पूनम यादव, उसके बाद फिर कौन पूछना चाह रहा है? सर,
सर आयुष त्रिपाठी। नाम नाम बोलो और बहुत ज्यादा एक साथ मत बोलिए भाई। सर मेरा पूनम यादव। रॉयल सैंडी। हाँ रॉयल सैंडी से हम पूछेंगे। चलो रॉयल सैंडी जी आपसे कई बार हमने बात भी कर चुके और कर लेंगे। कामेश्वरी मैडम आप भी कुछ जानना चाह रही है क्या? सर मैं भी सर राहुल। वन मिनट पूछेंगे अभी। पूनम यादव आप बोलिए फिर कामेश्वरी मैडम। यस सर। बाकी लोग अपना। हाँ रेणु रेणु मैडम भी, आयुष त्रिपाठी भी और राहुल कुमार। मैंने जिस क्रम में नाम दिए उन्हीं से पूछूंगा। आप लोग प्लीज मुझे म्यूट नहीं करना पड़े इसलिए आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए। यस प्लीज म्यूट योर माइक ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट पूनम यादव। यस बोलिए मैडम। थैंक यू सर। सर माय नेम इज पूनम यादव। आई एम फ्रॉम हरियाणा। आई हैव डन माय स्कूलिंग इन माय ओन सिटी and I have done my graduation in Bachelor of Computer Application and post-graduation in Master of Computer Application and Bachelor of Education from Maharshi Dayanand University, Hisar, Rohtak, Haryana. I have qualified my CTET exam in 2019 and I have a 1 year experience as a PRT teacher in a private school. Wow. And I have, my hobbies are आप एक बार सुनिए सुनिए पूनम जी, आप बार बार आई हैव बोल रहे हैं और आपने आई हैव के साथ माई हॉबी बोला है तो आई हैव माई हॉबी नहीं होगा। ठीक है ना? सॉरी सर। हाँ मतलब मैं कोई बात नहीं, जैसे कोई इंटरव्यू हिंदी में भी ले रहा हो ना मेरी तरह तो वो इतनी इंग्लिश तो जानता है कि कहाँ पे फॉर्मेशन और सेंटेंस में क्या आना चाहिए, है ना? तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब का कहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा ये ध्यान रखें। होता क्या है कि इससे इफेक्ट गलत पड़ता है। ये तो अपने घर की बात है, आप कुछ भी बोल दीजिए सब चलेगा। बोलिए। हाँ जी सर, सॉरी फॉर दैट। माय हॉबीज आर प्लेइंग विद माय चिल्ड्रन एंड गार्डनिंग बिकॉज आई लव चिल्ड्रन वेरी मच एंड आई लव नेचर सो वेरी मच एंड व्हेन आई हैव स्पेयर टाइम आई स्पेंड माय लॉट ऑफ टाइम इन माय गार्डन एंड विद प्लेइंग विद माय चिल्ड्रन and currently sir I am working as a clerk in Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University Hisar. That's all about me sir, thank you. And what is your post which you have applied? As a PRT teacher and sir PGT computer science. आपने ये बताया आपको बच्चों से बहुत प्यार है, चिल्ड्रन है, तो आप आपने ये कब से ये आपको शौक है बच्चों से प्रेम करने का? बचपन से है कि तब से ज्यादा है? क्योंकि छोटे बच्चे एक 2 साल की गुड़िया है सर, एक 9 साल का बच्चा है, तो लड़का है। 2 साल से आप बच्चों से बहुत लगाव है आपको, तो आपने ही बच्चों से लगाव के है कि और भी बच्चों के साथ लगाव है? सर जब छोटे होते हैं तब तो क्या होता है कि पढ़ाई में ज्यादा मन होता है, जब खुद के बच्चे होते हैं तो बच्चों से ज्यादा बॉन्डिंग होती है तो हमें। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके जो खुद के जो बच्चे हैं उनके अलावा और भी आस पड़ोस के बच्चों के साथ आप टाइम बिताते हैं क्या? हाँ सर, ये मतलब कि इट्स माय नेचर सर, बच्चे भी मुझसे बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं। जब मैं सर पीआरटी टीचर थी, मतलब कि 1 साल मैंने 1 साल के लिए जब पीआरटी टीचर सर, मेरे पास कंप्यूटर साइंस की क्लासेस होती थी और मेरे पास 16 सेक्शंस थे सर। तो 16 सेक्शन एक टीचर को कैसे दिए जा सकते हैं? वो ऐसे होते हैं सर, वीक में 2 क्लासेस होती हैं और सेकंड तक, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्लास कंप्यूटर कंप्यूटर में इट इज पॉसिबल इन कंप्यूटर। ठीक है, बढ़िया बात। उसमें सर 16 सेक्शन के मोस्ट ऑफ बच्चों के मुझे वन बाय वन नाम याद थे और सभी से इंटरेक्शन था और बच्चे मुझसे बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं सर। हाँ जी, थैंक यू मैडम, फिर आपसे बात करेंगे। अभी राहुल कुमार जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना। थैंक यू सर। सर मेरे एक क्वेश्चन था सर। अभी राहुल कुमार एक एक क्वेश्चन सबके है ना। राहुल कुमार बोलिए। सर मेरा, सर नमस्ते सर, मैं सर बिहार से गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं अब केवी में आना चाहता हूँ, तो मेरे से अगर पूछा जाएगा कि आप केवी में, आपका चेहरा नीचे चला गया थोड़ा सा, मोबाइल के सामने लाओ ना। हाँ यस यस सर, अब हो नहीं कुछ बात। यस सर, मैं तो ग्रेड पे और फैसिलिटी के लिए केवी में आना चाहता हूँ क्योंकि बिहार में कुछ मिलता नहीं है, कोई ग्रेड पे नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप केवल पैसे के लिए आना चाहते हो? नहीं सर, एक मैं दिल्ली से सारी एजुकेशन मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पर मैं बिहार में परमानेंट जॉब थी इसलिए मैं चला गया वहाँ पे।
अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि बिहार के जिस गवर्नमेंट स्कूल में आप थे, ये माइक सब लोग म्यूट करें, ये एक का तो चलेगा खुला, बहुत सारे लोगों ने म्यूट नहीं किया है शायद, इसलिए यार राहुल जी आप भी अपना माइक म्यूट कर लो, फिर बोलते समय ऑन कर लेना। हाँ बस इको हो रहा था इसलिए, ठीक अब क्लियर है। राहुल जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बिहार के स्कूल में आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है, आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक, TLM, क्या हर क्लास हर सब्जेक्ट का या हर चैप्टर का आपको क्लास टेस्ट लेना पड़ता है, क्या क्या काम वहाँ ईमानदारी से होता है और क्या क्या काम हो जाता है, अपने हिसाब से बताइए। सर वहाँ पे जो है सर लेसन प्लान से ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब कि कोई सिस्टम कुछ नहीं है सर वहाँ पे। पर मैं जितना मैं दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ तो मैं अपने तरीके से मैं बहुत बेस्ट देता हूँ वहाँ पे, अपने यहाँ पे जिस तरीके से मेरे से हो पाता है, नहीं तो वहाँ पे पर्सनल नहीं है कि आप लेसन प्लान से, वहाँ पे लेसन प्लान बना के भी ले जाएंगे तो फॉलो नहीं हो पाएगा वहाँ पे सर, ऐसी चलो ठीक है, अब इस बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, आप अपना माइक म्यूट करो। यस हाँ, इस बारे में ज़्यादा बात करना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि कहीं दो चार बात और बोल दी आपने तो बिहार गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी और ये नहीं चाहिए। ओके अब तो, लेकिन आपका इससे ये पता चल रहा है कि आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का केंद्रीय विद्यालय में हमेशा स्वागत रहता है। तो आप टीजीटी संस्कृत हूँ मैं, 136 मार्क्स है मेरे। हाँ अगर आपके 136 मार्क्स है एज ए टीजीटी संस्कृत तो आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपकी संभावनाएं तो पूरी लगती है क्योंकि 136 मार्क्स लाना आसान भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप तैयारी करें अच्छे से और केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपका स्केल के साथ बहुत सारी चीज़ें बढ़ेगी, और काम करने वालों के लिए तो यहाँ बहुत इज्जत होती है, और काम जो कम करते हैं उनकी भी इज्जत होती है, कभी कभी उनकी ज़्यादा हो जाती है ना क्योंकि सब ठीक है, उनमें दूसरे दूसरे गुण ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से इज्जत ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप आए, अच्छी बात जाए कि आप क्यों आना चाहते हैं केवीएस में, उसको छोड़ के तो मेरा एक सेटिस्फेक्शन आंसर क्या होना चाहिए। हाँ अपना माइक म्यूट करो, बताता हूँ, माइक म्यूट कीजिए। हाँ आप बताइए कि सर मैं बिहार गवर्नमेंट में हूँ, स्टेट गवर्नमेंट में, तो दोनों ही चीज़ें हैं कि सर आप स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में, चूँकि नेशनल लेवल की संस्था है, पेस सेटिंग इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल लेवल तक केंद्रीय विद्यालय के स्कूल है, रूस में, मास्को में, काठमांडू, तेहरान, कई जगह है ना, इसलिए ये तो इतनी बड़ी संस्था है कि इसमें आना अपने आप ये प्रश्न पूछने वाली बात ही नहीं कि केंद्रीय विद्यालय में आप क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई केवी में आना चाहता है, इसकी रेपुटेशन को, इसकी क्वालिटी को, और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, इसके रिजल्ट को देख करके, ठीक है नंबर वन। दूसरा सर बिहार गवर्नमेंट में मैं केवल बिहार में ही घूमता रहूँगा, मुझे देश दर्शन करने का मौका तो आप देंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होंगे, मैं वहाँ सब जगह जाने को तैयार हूँ एनीवेयर इन इंडिया, और हर 4-5 साल में ट्रांसफ़र होगा तो पूरा देश देखने को मिलेगा, और इसमें लघु बोस में वहाँ केवल बिहार के ही लोग ज़्यादा है और एक आध आसपास के स्टेट के होंगे, लेकिन ये तो लघु भारत है, केंद्रीय विद्यालय में तो केरला, तमिलनाडु सब जगह के मिलते हैं, ठीक है ना। ओके मैं बात कर रहा था कामेश्वरी मैडम की, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। कामेश्वरी मैडम आप जुड़ी हुई है क्या अभी? सर मेरा क्वेश्चन रॉयल फैमिली वन, अरे यार क्या हो गया, लेफ्ट नहीं हो। हाँ कोई बात नहीं, ये गलती से क्या है कि लेफ्ट हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके कोई बात नहीं। कामेश्वरी मैडम बहुत दिनों से लेफ्ट नहीं हो सर, देखिए सुनिए आप, आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा आप, मैं अभी भी ज्वाइन हुए लिस्ट में देखो जाके। ओके आवाज, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर मैं हूँ सर। हाँ ओके आप लोग अपनी, बाकी सब लोग आवाज़ बंद करेंगे, और ये रेखा जी से भी पूछेंगे प्रश्न हम अभी, कामेश्वरी मैडम से और रॉयल सैंडी से भी पूछ लेंगे, वे एक बार बात कर चुके हैं, पर रॉयल सैंडी से पहले आयुष त्रिपाठी और उनसे पहले कामेश्वरी मैडम,
कामेश्वरी मैडम आप, यस कामेश्वरी मैडम आप बताइए। यस नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट। हाँ, आई एम कामेश्वरी सर। आई बिलोंग्स टू एपी सर, एपी विजयवाड़ा सर। यस यस बोलिए। आई कंप्लीटेड एम आई अपीयर्ड पीजीटी हिंदी सर। ओके। 127 मार्क्स आई गॉट सर। आर यू वर्किंग एनीवेयर और एनी इंस्टीट्यूशन? नहीं सर। You are housewife till now? हाँ सर, हाँ सर। Is it any experience of you regarding teaching? दो साल तो की थी मैंने सर। Private school? हाँ, primary school को की थी मैंने। Okay। और 6th और 7th तक की थी मैंने। अभी आप कौन सी exam दे रहे हैं? PGT हिंदी? हाँ, PGT हिंदी। Only PGT हिंदी और TGT हिंदी भी include है? नहीं नहीं सर, पीजीटी हिंदी। ओके ओके, चलिए आपसे पीजीटी हिंदी से रिलेटेड आप कुछ मुझसे पूछना चाहती है बताइए, फिर ये आप क्या चाहती है बोलिए। नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क? नहीं नहीं। चलो ठीक है, तो सर, अच्छी बात है। मैंने कामेश्वरी मैडम से इसलिए बात की। त्रिपाठी, आयुष त्रिपाठी किधर है? वन देखो, वन लेडी वन जेंट्स। नहीं तो मैं बार बार लेडी को ले रहा था तो एक ने कमेंट बॉक्स में डाला कि सर आप बहुत सेल्फिश है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और तो आयुष त्रिपाठी आप आ जाइए। हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था। वन मिनट, बोलो बोलो सर। क्वेश्चन ये था कि अगर वहाँ पे ये पूछ लेते हैं कि आप होम ट्यूशंस को या जो अगर बच्चों को कोचिंग पढ़ाने जाते हो तो आप इसको स्कूल की असफलता समझते हो, तो सर इसका क्या एक सही आंसर होगा? फिर आपने क्वेश्चन थोड़ा लाउडली बोलिए, अच्छे से बोलिए सर। आवाज़ आ रही है? अब ये अब आ रही है, बढ़िया आवाज़। यस बोलो। ठीक सर, अगर वहाँ पर बताया जाए कि मैं होम ट्यूशंस लेता हूँ, तो अगर सर वो लोग अगर क्वेश्चन बोलें पूछें कि क्या होम ट्यूशंस या जो बच्चे कोचिंग लेते हैं स्कूलिंग के बाद, तो आप उसको स्कूल की असफलता समझते हैं, तो सर इसका एक एग्जैक्ट सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप है ना, पहले तो कोशिश कीजिए उनको ये होम ट्यूशन वाली बात मत करो, है ना। अगर बात करना ही पड़े तो फिर देखना, पर पहले उनसे ये पूछिए, पहले ये बताइए कि मैं बहुत सारे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे जान पहचान के हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ पढ़ाने में, वो मेरे पास आते हैं, मैं इसे कोई प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। एक बात, आप पे ये आप मैंने कोई फीस प्रेस्क्राइब नहीं किए, क्योंकि आप फिर कोचिंग और ट्यूशन वाली बात करोगे तो फिर वहाँ पे तो इनकम टैक्स भी देना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसलिए आप इसे एक प्रोफेशन या कमाई के बारे में मत बताइए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी बात अगर पूछी जाए कि मान लो आप बहुत लोगों की मदद करते हैं या रेगुलर बच्चे पढ़ने आते हैं, या ऐसा हो कि किसी स्कूल के बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो क्या ये स्कूल की असफलता है? तो राइट, डेफिनेटली अगर कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट टीचर को छोड़ करके किसी दूसरे सब्जेक्ट टीचर के पास पढ़ने जा रहा है तो डेफिनेटली, और केवी का बच्चा है तब तो ये केवी के शिक्षक की 100% असफलता है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन जो ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें इतने सारे हजारों लाखों लोग आवेदन करते हैं और कुछ सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन होता है, वो भी इतनी ट्रप प्रोसेस के बाद, तो जो हीरा निकलता है वो हीरा ही नहीं चमकेगा, और उसकी बजाय जो अभी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है या नौकरी में नहीं आया है, उसके पास बच्चे अगर पढ़ने जाएंगे उस हीरे को छोड़ करके, तो ये तो उस हीरे की असफलता है, बिल्कुल असफलता है, 100% असफलता है। तभी तो बच्चे सुनो आप, कारण क्या है कि केवी में रूल है कि केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को और किसी भी दूसरे बच्चों को कोई भी टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। कारण क्या है? क्योंकि एक टीचर अगर स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे काम करता है, उससे अगर स्कूल 1-2 घंटे रोज काम लेने लगे तो उसको तकलीफ हो जाती है, वो अपने यूनियन में बात उठाता है, वो अपने बहुत सारी प्रताड़नाओं के आरोप लगा देता है, उसको बहुत कष्ट होता है। लेकिन वही टीचर अगर घर जाकर के 4 घंटे ट्यूशन पढ़ाता है
तो चूंकि वहाँ इनकम होती है तो उसकी कार्य क्षमताएं प्रभावित नहीं होती है, कैसे मान सकते हैं आप? ठीक है ना, एक आदमी जो घर जा, मैंने ऐसा देखा कि लोग एक घंटा डेढ़ घंटा तो स्कूल जाने में लगता है, इतना ही वापस घर पहुंचने में लगता है, इसके बाद भी वो दो तीन घंटे ट्यूशन पढ़ा लेते हैं पैसे के चक्कर में, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। और बताइए कि वो टीचर जो इस तरह का काम करते हैं तो उनकी जो KVS की नौकरी कर रहे हैं तो उनकी कैपेबिलिटी, कार्य क्षमता तो डेफिनेटली प्रभावित होगी ना। इसलिए KVS का मानना है कि KVS के टीचर्स को ट्यूशन पढ़ाना अलाउ अगर नहीं है तो उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि टीचर स्कूल में इतना बढ़िया तरीके से ध्यान दे, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि उसे और जगह दौड़ना भटकना नहीं पड़े। क्योंकि KV में तो रेमेडियल टीचिंग की भी व्यवस्था है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाओ रेमेडियल क्लास में। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है भाई आयुष त्रिपाठी जी, आप कौन से देखो, एक जेंट्स एक लेडीज, यही काम कर रहे हैं, एक बालक एक बालिका, एक बॉय स्टूडेंट एक गर्ल। पूजा भारती कुछ पूछना चाह रही थी क्या? हेलो, एक सेकंड। हेलो सर। हेलो, देखिए वन बाय वन, एक बॉयज एक गर्ल्स, एक जेंट्स। हेलो सर, सर मैं ग्रेजुएशन 49% सर, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? सर मेरा भी एक प्रश्न है। हेलो पूजा बोलो। गुड इवनिंग। देखो अभी आयुष त्रिपाठी ने बात की है, इसके बाद में पूजा मैडम से बात कर रहा हूँ, और पूजा से बात करने के बाद फिर आपको अगर बार बार यही बोलते रहेंगे तो किसी का भी नंबर नहीं आएगा। अंजलि अरोरा से बात करना है, ललिता मैडम से भी बात करना है, पूनम यादव से भी बात करना है, CTET वॉरियर से भी बात करना है। आप या तो आप सब बात कर लो, बोल लो, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है ना? पूजा मैडम बोलिए, आपका सबको ले लूंगा मैं अभी 11:22 ना 12 तक लेने वाला हूँ क्लास। ठीक है? ओके पूजा मैम, सर इंट्रोडक्शन में शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं क्या, लाइक फॉर यूनिवर्सिटी नेम्स एंड ऑल? हाँ, DAVV यूनिवर्सिटी है, विक्रम यूनिवर्सिटी है, DU यूनिवर्सिटी है, जो भी है, DU से मैंने ये किया, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, आज इंटरव्यू लेने वाले थे सर, इंग्लिश वाले। अच्छा, ये आपके भाई बहन और ये इतने जो हमारे साथी है, ये इतने डिस्टर्बिंग एलिमेंट का काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज नहीं हो पाएगा। तो मैं सुनो पूजा, मैं कल या तो आपका आफ्टर स्कूल टाइम 4-5 1-to-1 ले लूँगा, चलेगा? यस सर, डन। आप तैयार रखिए, तो वो 1-to-1 वाला हम दोनों रहेंगे या एक दो और कैंडिडेट रहेंगे जिनका लेना है, बाकी सबको यूट्यूब लाइव कर देंगे, उसमें गूगल मीट से तो ये बेटर रहेगा, हम शांति से ले पाएंगे। ठीक है ना? तो बाकी जो भी है उनका हम कल ले लेंगे। ओके चलो, हाँ CTET वॉरियर इंटरव्यू तक तो पोस्टपोन सर ना सर? हाँ वो कल तक सर। ग्रेजुएशन में सर सोशियोलॉजी और इंग्लिश है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हेलो सर, एक सेकंड, CTET वॉरियर क्या नाम है आपका, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। गुड इवनिंग। हेलो सर। यस, वन बाय वन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर माय नेम इज नितिन कुमार। हाँ, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AKTE यूनिवर्सिटी। आपने तो मुझे भेजा भी था ना आपका इंट्रोडक्शन, शायद वो डाल भी दिया। चलो आप तो ये बताओ, प्रश्न क्या है आपका? मेन क्वेरी है सर कि पहली बात तो सर, अगर हम लेसन प्लान अगर ना बनाए आप चाहे तो बना के ले जाए, भले यूज ना करें। ठीक है, आपके पास देखो ये आइटम रेडी होना चाहिए, भूख लगे ना लगे टिफिन तैयार रखो। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट। ग्रेजुएशन में सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो वहाँ से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन उठ सकते हैं क्या सर? कौन से, आप PRD के लिए दे रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, PRD एस्पिरेंट हो क्या? PRD के लिए अप्लाई किया है।
हाँ तो आपने मैकेनिकल से की हो तो अच्छा है, कोई बढ़िया बात नहीं, वो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है, उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देना मैकेनिकल इंजीनियर में हमने ये किया ये सीखा और स्कूल में कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्कूल के काम आएंगे, ये हमारी अतिरिक्त तो योग्यता है। ठीक है ना, ठीक है सर। जैसे इंटरव्यू में हमसे अगर वो क्वेश्चन हम बाइलिंगुअल हो सकते हैं ना सर, क्योंकि इंग्लिश में इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि मतलब बोलने फ्लुएंसी नहीं आ पा रही। हाँ बहुत सर, देखो अब ये अलग अलग बोर्ड पे डिपेंड करता है और मुझे नहीं लगता है कोई अड़ेगा ही। हाँ लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर इंग्लिश में देना आना चाहिए, है ना। बाईलिंगुअल कंपेंटेंसी मस्ट बी देयर इन केंद्रीय विद्यालय, है ना। यहाँ ये होता है कि देखो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू मे स्पीक हिंदी आल्सो, है ना। बट योर 4 to 5 क्वेश्चन इस टाइप के होना चाहिए कि यू मे केपेबल टू गिव देयर आंसर। इतनी ख़राब इंग्लिश भी ना हो, वो काम चलाऊ तो हो कम से कम, कि फ्लुएंसी होना एक अलग, फ्लुएंसी होना एक अलग बात है, एक अलग क्वालिटी है, और इंग्लिश को या इंग्लिश मीडियम की किसी बुक को पढ़ाना एक अलग क्वालिटी है, कमांड हमारी उस पर होना चाहिए। बबीता मैडम एक क्वेश्चन इनका ले लें, ये यार सी टी टी वॉरियर के नाम से आप अपना नाम क्या है थोड़ा बताओ ना क्लियर। और मेरा नाम नितिन कुमार है सर, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना सर। नितिन कुमार जी आपका एक क्वेश्चन हमने आंसर दे दिया, एक बबीता मैडम को पूछने दो, आपसे भी फिर बाद में पूछ लेंगे। यस बबीता बोलिए, बबीता कुमारी का एक क्वेश्चन उसके बाद दूसरे का आराधना मैडम से भी लेंगे। सर मेरा ग्रेजुएशन 2017 में क्लियर हुआ था, उसके बाद मैं बीएड करने की जगह मैं बीलिस कर ली थी 18 से 19 में, तो उसके बाद मेरा बीएड हुआ 19 से 21 में। फिलहाल मैं पीजी कर रही हूँ, तो मैं पीआरटी पोस्ट के लिए अभी अप्लाई की थी, तो मैं बीली शो करूँ या नहीं? अगर जो नहीं शो करती तो मेरा गैप, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप सब कुछ शो कीजिए, कोई भी चीज़ को एस्केप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक प्राइमरी टीचर के लिए एक एसेट है, एक आपकी ताकत है, उसका काम करेगी। आपने जो अदर क्वालिफिकेशन गेन की है उसमें सोचिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वो गुण भी प्राइमरी टीचर में होना चाहिए, और वो आपके प्राइमरी टीचर आपकी क्वालिटी को इन्हेंस करने वाले हैं, और आपने जो वो ज्ञान लिया है, जो अनुभव लिया है, वो आपको किसी न किसी रूप में और मजबूत बनाएगा। ये बोलना और इसका तरह के आंसर देने की आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, और करके बताना और ये क्वेश्चन पूछा तो आप लाइब्रेरी भी मेरा है, तो उसमें बीएड वगैरह शो करूं ना? सब शो करो करना है। देखो आपको गैप नहीं दिखाना है, शो करना है। तरुण सिंह जी आप प्रश्न पूछने वाले थे, गायब हो गए। हाँ सर, मेरे ग्रेजुएशन मैंने डिस्टेंस ही किया है। तो ओबीसी को लेकर बबीता मैडम एक मिनट पे एक एक क्वेश्चन भी मैं आपका फिर से दूंगा जवाब, है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनकी भी मन को शांति मिले सबको कि मेरा एक क्वेश्चन तो कम से कम लिया। बस एक मिनट बस सर, मेरा नेट खत्म हो जाएगा, मैं 5-6 दिन से। तो भाई इनका नेट खत्म हो जाएगा, इनको मौका दे दो यार, तुम्हारे पास नेट है ना तरुण जी। हाँ बोलिए बोलिए बबीता जी। अगर जैसे ओबीसी का जो है अभी अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैं जो ओबीसी लगाई हूँ सब बैक वाला लगाई हूँ, तो अब नया वाला अगर इंटरव्यू में अगर ओबीसी लगाएंगे तो नया वाला बनवा के लगाना पड़ेगा। नया बनवा लो, लेकिन 3-4 साल के अंदर का है तो चलेगा। वो तो है पिछले साल का है, बट अब तो नया सेशन होने वाला है ना, अप्रैल से हो गया है। सेशन से कोई मतलब नहीं, पिछले सेशन में अगर बनाया है आप मुझे ओबीसी का सर्टिफिकेट भेज देना, और उसका आपको जो नेट पे भी आप देखो ना, नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे कि ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप ये टू प्रोड्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपको बहुत सारे ओबीसी के वो डिटेल पीडीएफ मिल जाएंगे, उससे आप मिला के देख लो। ठीक है,
कोई बात नहीं है, और 3 साल के अंदर का अगर है तो चलेगा, और अगर नहीं भी है तो उस समय भी आप एफिडेविट शायद दे सकते हैं, वो आपको हटाएंगे नहीं ओबीसी से अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी है तो। लेकिन आप सेंट्रल का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, बट बैक से संघ का है। हाँ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। और मुझे भेज देना तो मुझे भेज देना तो मैं देख लूंगा। तरुण सिंह सर प्लीज टेक माय राउट। हेलो हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन प्लीज सर ले लीजिए। तरुण सिंह जी सर, अभी तो मेरा नंबर आया था। रेखा कुमारी आपका तरुण सिंह के बाद में ले लो। सर मेरा नंबर था सर। 1x1 वन बॉयज वन गर्ल्स, ठीक है ना? यस। हाँ तरुण जी। हाँ सर, मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है डिस्टेंस से, तो सर वो SOL है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, तो सर उसको सो बोलूं या दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलूं? जिससे किया है वही बोलो, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम। जैसे आपने किया है ईमानदारी से रखो, एक साथ दो डिग्रियां अगर आपने की है, एक रेगुलर होना चाहिए एक प्राइवेट होना चाहिए, दोनों बता सकते हैं। नहीं नहीं सर, मैंने सिंगल की हुई है। सिंगल मेरा ग्रेजुएशन में 49% है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नहीं सर? ये आप देखो, अगर आप STSC से है क्या? हाँ सर, कैटेगरी से। अगर कैटेगरी से हैं तो उसमें अगर छूट है इसमें शायद 45 की अगर है तो आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, अगर छूट नहीं है तो फिर 49 नहीं, वो तो 50% तो ज़रूरी माना जाएगा अगर छूट नहीं है तो, क्योंकि मुझे जहां तक पता है ओबीसी के जनरल के लिए तो 50% है, लेकिन शायद कैटेगरी में छूट है तो आपको काम आ जाएगी, लेकिन आप चेक कर लीजिए रूल्स में भी एक बार और, ठीक है ना? सर ग्रेजुएशन में सर सोशियोलॉजी और इंग्लिश है सर, तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? बीच में पूछेंगे क्या? फिर से बोलिए। सर ग्रेजुएशन मैंने PRT के लिए अप्लाई किया है। हाँ। सर ग्रेजुएशन में इंग्लिश मतलब है, तो उससे भी क्वेश्चन बनेंगे क्या? उससे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, वो चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपको तो तैयार रहना है ना, लेकिन सोशियोलॉजी से वो बहुत ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल जो कॉमन चीज मतलब, राइटर का नाम पूछ सकते हैं, कॉमन चीज है कि सोशल साइंस में आपने कौन कौन से विचारक को पढ़ा, ठीक है ना? तो उसमें आपसे ये आपने पढ़े होंगे ना, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष वगैरह वगैरह, कौन कौन से सोशल वर्कर है, विदेशी भी कुछ है उनको भी पढ़ा होगा, अरस्तु, प्लेटो वगैरह, तो ये है। और सोशल में जो बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं कुछ छोटा मोटा पूछ सकते हैं, लेकिन उस पर कंसंट्रेट नहीं होंगे, कंसंट्रेट तो आपके प्राइमरी पे होंगे, ठीक है ना? बस ये जरूर पूछ सकते हैं, आपने जो ग्रेजुएशन करा तो उसका प्राइमरी टीचर में क्या लाभ मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन तो बनता ही है। चलिए ओके सर, अब मेरा मेरे आपने इंट्रोडक्शन लिया किस तो नहीं है मेरा, प्लीज बहुत देर होगी मेरे को वेट क्वेश्चन सर। रेखा कुमारी कहाँ से हैं आप, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो शादी के कुछ दिन बाद ही बनवा लिया था, और वो एक्सपायर हो गया था, मतलब 1 ईयर के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है, तो मैंने अभी उसको रिन्यू करवाया है, मतलब बिफोर 2 days ही, तो 2 दिन पहले मैंने उसको रिन्यू करवाया है, तो वो मतलब माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि उसकी तो 2-3-4 साल तक की मान्यता रहती है। चलो अब ये बताओ, आप ही ने वो जो पढ़ाते वाले वीडियो आप ही ने भेजे थे क्या? हाँ सर मैंने ही भेजा था, एक्टिंग करते हुए। चलो बढ़िया बढ़िया है, लेकिन आप सुनो, आपने उसमें जो है ना, जब बोर्ड पे आप लिख रही हो ना, तो कैमरा जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको थोड़ा आगे आना चाहिए, मतलब वो पीछे ही खड़ा है, वो आगे नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगना चाहिए कि आप बोर्ड के पास खड़े हो, तो बोर्ड की चीज़ें भी लिखते हुए कैमरे में व्यवस्थित आना चाहिए, ऐसा ही करके भेजना, ठीक है ना? तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिसको आपने कैमरा दिया वो वहीं खड़ा है, आप अपना दूर से ही पढ़ा रहे। सर वो मेरे बेटे को दिया था मैंने। तो जरूरत के अकॉर्डिंग उसको आगे पीछे करना है, ठीक है ना? ओके ठीक है। प्लीज मेरा एक क्वेश्चन ले लीजिए सर। मेरा एक क्वेश्चन प्लीज, एक जेंट्स का क्वेश्चन भाई, नहीं तो फिर मुझे सेल्फिश बोलने लगेंगे। जेंट्स सर, प्लीज सर। हाँ ये आप अपना स्क्रीन पे आइए जी सर, जिस भी को बोलना है आप अपना कैमरा ऑन करें जी सर। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर प्लीज। आप कैमरा ऑन करो ना और पूछो क्वेश्चन जी। सर ऑन कर लिए, कैमरा ऑन कर लिए। हाँ आप सर, मेरा आपका कैसा कैमरा ऑन किया है यार, वाइट वाइट हम पहचान ही नहीं सकते आपको।
सर मेरा कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है इसीलिए प्रॉब्लम। चलो पूछो क्या पूछना चाह रहे। सर मैं इसको पूछना था सर कि मेरे डीरेट हम एनओएस से किए थे सर, समझे एनओएस से। हाँ हाँ नेशनल अठारह महीने वाला। हाँ यस सर, साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी है तो इसीलिए पूछना था सर कि दोनों एक साथ शो कर पाएंगे कि नहीं सर, वही पूछना था। नहीं देखो आपने डीएलएड से तो प्राइवेट होता है, वहाँ एनआईओएस से आपने रेगुलर किया है तो बता सकते हैं दोनों एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन सर, आपका एनआईओएस प्राइवेट होता है, रेगुलर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए बता सकते हैं। प्लीज एक क्वेश्चन ले लीजिए सर, एक मिनट, ये क्या सर प्लीज एक क्वेश्चन। एक का तो बात हो नहीं रही है, आप लोग यार समझ नहीं रहे हो। सर सुमनपाल मेरा एक प्रश्न है। सुमनपाल आप कैमरे पे आओ, प्रश्न करना है तो पहले। सर डेमो क्लास कहाँ भेजें? सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज। पूनम यादव बोलो क्या है। हाँ जी सर, सर मैं कह रही हूँ मैंने पीआरटी और जीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड पीआरटी और पीजीटी में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं सर? फिर से बोलो, अभी आप मुझे उंगली दिखाए बात कर रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं डर गया था, फिर से बोलिए। नहीं सर मैं इसलिए टर्म के लिए कह रही थी सर, क्वेश्चन है सर। हाँ मुझे तो ऐसे ही लग रहा है ना कैमरे में। न सर चलो कोई बात नहीं, बताओ फिर से बोलिए क्या है। तो मैं कह रही हूँ मैंने एज ए पीआरटी और कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो पीआरटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं सर, प्लीज एक बार गाइड कर दीजिए। मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, आपका इंटरव्यू लेंगे तो सारे क्वेश्चन अराइज कर देंगे ना? हाँ मतलब विच टाइप ऑफ क्वेश्चन सर, पीआरटी में कंप्यूटर साइंस के क्या क्वेश्चंस ले सकते हैं? अच्छा हाँ हाँ, पीआरटी के अगर आप इंटरव्यू देंगे तो आपके कंप्यूटर साइंस का जो ज्ञान है उसका उपयोग आप प्राइमरी टीचर में क्या लाभ होगा कैसे करेंगे और स्कूल को क्या लाभ होगा, तो आप बताइए कि मैं पीआरटी होते हुए भी स्कूल की वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करूँगी। और सर मुझे पता है पहले से ही कि आपके केंद्रीय विद्यालय में UBI फी का जो है जो पूरा डिटेल संभालना पड़ता है बच्चों का, उस पर वेरीफिकेशन करना पड़ता है, तो मैं पूरे प्राइमरी के सारे टीचरों का स्कूल का भी मैं वेरीफिकेशन करवाने में मदद करूँगी ऑनलाइन, और मैं PPT बनाना सबको सिखा दूँगी प्राइमरी टीचर्स को, और ICT का यूज़ कैसे करना है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, गूगल मीट के थ्रू यूट्यूब लाइव कैसे करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करना है, सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है, PDF से कैसे पढ़ाना है, सो ये सब मेरा सब बहुत सीखा हुआ है, मैं सारा नॉलेज प्राइमरी में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है ना तो मैं करूँगी, और सारे प्राइमरी को स्कूल को जो भी मुझसे लाभ लेना चाहेगा मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूँगी। ठीक है ये पूछा जा सकता सर। एक क्वेश्चन और था सर, सर मैं एज ए क्लर्क अभी अपॉइंटेड हूँ, तो सर उससे रिलेटेड कोई क्या मुझे ये बताना चाहिए, अगर बताऊँ तो उससे क्या काउंटर क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं सर? कोई क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, मैं एज ए क्लर्क जब मेरी रुचि इधर थी जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने इस काम को किया, और एक क्लेरिकल काम जो मेरा है तो आपके केंद्रीय विद्यालय में तो जेम्स है परचेसिंग और बहुत सारी चीज़ों का हिसाब किताब टीचर को ही रखना पड़ता है, तो TA DA से रिलेटेड सारी जानकारी ये मुझे है ही, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपके स्कूलों में तो कई जगह तो बहुत पोस्ट खाली है सर LDC UDC की, और मुझे वहाँ पहुँचा दिया मान लीजिए तो मैं वहाँ प्रिंसिपल को मदद करूँगी, लेज़र केशबुक क्या क्या आपको आता है सब बता दे। ठीक है अब मैं 2-3 महिलाएं हो चुकी है, अब एक एक जेंट्स का क्वेश्चन लेना है मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन सर, मेरा एक प्रश्न है सुमनपाल। चलो बोल लो सुमन पाल किधर है। नमस्ते सर, सर मैं TGT हिंदी के लिए मैंने परीक्षा दी है जिसमें मेरे 115 अंक हैं, मैं अभी PRT एज ए हिंदी टीचर कार्यरत हूँ DPS में, तो सर मैं से TGT में मैंने एग्जाम दी है, PRT के कैसे प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं? आपको PRT के क्वेश्चन पूछने हैं ना, PRT के हमने इतने सारे तो इंटरव्यू लिए हैं, आपने देखे हैं क्या? आपका इंटरव्यू ले लें आप सुमन पाल, आप हमारे किसी ग्रुप से जुड़ी हो क्या? हाँ
मैंने कल पहचान है हिंदी का ग्रुप, हिंदी वाले में भी एक पीआरटी वाले ग्रुप में भी आप वो मैं लिंक भेज दूंगा, बता देना मुझे, तो आप पीआरटी के ग्रुप से जुड़ जाइए। तो हम इसमें अभी पीआरटी का हो सका तो कल या परसों में इंटरव्यू लेंगे, तो आपको आप अगर आपकी विलिंगनेस है तो हम आपका इंटरव्यू ले लेंगे, ठीक है ना। मेरा ये प्रश्न है, मुझे 10 वर्ष का अनुभव है, तो मैं टीजीटी हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आप टीजीटी हिंदी के लिए बोल रही हो? हाँ सर, टीजीटी हिंदी के लिए, लेकिन अभी मुझे अनुभव पीआरटी का है। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखो सुनो, आप आपको पीआरटी का अगर अनुभव है तो टीजीटी हिंदी में जो बात शुरू होगी ना, तो वो हिंदी वर्णमाला से, अल्फाबेट से, स्वर व्यंजन से शुरू होगी, है ना, शब्द भेद वाक्य भेद से शुरू होगी। तो आपने जो एज ए प्राइमरी टीचर बच्चों को जो अल्फ़ाबेट का ज्ञान दिया है, स्वर और व्यंजन के भेद का अगर आपको अच्छी तरह स्पष्टीकरण करना आता है कि कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन से उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, कौन से अंतस्थ और कौन से ऊष्म व्यंजन हैं, तो ये सब आपको, और ऐसे ही आपको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, वोवेल्स, सेमी वोवेल्स, इन सब का अगर ज्ञान है, तो ये सारी चीज़ें जो है, जिस टीचर का प्राइमरी नॉलेज, बेसिक नॉलेज क्लियर होता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लास 6 to 10 को कमांड कर सकता है। क्योंकि बड़ी कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। और मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जब क्लियर नहीं होता है या उनको ज्ञान नहीं होता है बेसिक का, तो जिसको 10 साल का प्राइमरी का अनुभव है वो तो बड़े अच्छे से उनको हैंडल कर लेगा, उनकी रेमेडियल ले लेगा और 100% क्वालिटी रिजल्ट इंश्योर कर सकता है, ठीक है। ये अंजलि अरोरा के नाम से कौन है, आप बताइए, पहले अंजलि थी फिर आप आ गए। मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मेरी वाइफ के लिए मेरे को पूछना है, मेरा एक छोटा बेबी है तो वो उसके लिए वो अंजलि गए हैं। नहीं बढ़िया, अब आप क्वेश्चन पूछिए, आपके जैसे पति सबको दे भगवान, आप इतना बढ़िया हेल्प कर रहे हैं उनके इंटरव्यू के लिए, चलिए बताइए। थैंक यू सो मच सर, ब्लेसिंग चाहिए आपकी। सर अंजलि जी के ना, अब हम जो ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है, जो कंसोलिडेट मार्कशीट आती है ना, जिसके अंदर सारे मार्कशीट, मतलब सारे रिजल्ट है, सारे मार्क्स हैं, प्लस डिग्री भी है। वो आप 5 सेमेस्टर की आपके पास नहीं है? 5 सेमेस्टर की नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या? आपको मैसेज भी किया था मैंने, जवाब भी दिया था, लेकिन ये बताओ कि रीजन क्या है, आपको मिली तो होगी ना? सर वो नहीं मिली, कलेक्ट नहीं कर पाए थे या मिली नहीं, वो मतलब अंजलि के पास है नहीं, और अभी हमने चेक भी किया था तो मार्कशीट DU में भी नहीं मिल पा रही थी। रिकॉर्ड तो रहता है, ऐसे कैसे नहीं मिल पा रही थी यार? आप देखो सुनो, नहीं होता सर, नहीं होता रिकॉर्ड, उनको फर्स्ट फाइनल का होता है उनके पास। सर उनके पास सिर्फ फाइनल की है, मैं स्पेशल गया था पूछने DU। सेम प्रॉब्लम, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अंजलि मैडम जो एग्जाम दे रही है वो PRT के लिए है या TGT के लिए? सर दोनों के लिए, तीनों के लिए, इनफैक्ट तीनों क्लियर है उनके। देखो PRT में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि PRT में आपको ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो 12th तक की ही देना है, 12th और DL Ed, इसलिए वहाँ तो ये आपकी मार्कशीटें चल जाएगी। लेकिन अगर TGT में उनको ये कंफर्म करना हुआ कि सारे सेमेस्टर में उनका पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में एग्रीगेट 50% है या नहीं, तो बेचारे कैसे करेंगे, प्रॉब्लम ये सब में 70+ है। ये तो सही है आपका, लेकिन वो अगर आपको मार्कशीट भेजी है सर, इनफैक्ट शी वाज अ यूनिवर्सिटी कॉलेज टॉपर, 3rd आई थे वो पूरे कॉलेज में, तो ये तो अच्छी बात है। तो अगर कॉलेज में 3rd आई थी तो उनका मेरिट सर्टिफिकेट भी मिला होगा उनको, कन्वोकेशन है सर? बिल्कुल है। हाँ, अगर डिग्री ली होगी आपने तो वो भी मिला होगा, प्रावीण्य सूची का सर्टिफिकेट भी मिली होगी, तो ये सब ले जाइए। और आप एक काम कीजिए, कितने साल पहले की बात है 5 सेमेस्टर वाली होंगी? सर 2013 to 2016 सेशन था। आप एक काम करो, जिस यूनिवर्सिटी से किया है, जिस कॉलेज से किया है, उस यूनिवर्सिटी और उस कॉलेज दोनों में अंडर RTI ये आपके रोल नंबर और एनरोलमेंट का जो है उल्लेख करते हुए आप RTI में मांगिए,
वो देने को बाउंड होंगे, क्योंकि 2005 के बाद इस तरह की चीज़ें आप नष्ट नहीं कर सकते, डेटा उनके पास होगा ही होगा, वो गायब नहीं कर सकते, और वो भले ही दे नहीं रहे लेकिन वो देना पड़ेगा उनको, ठीक है ना, वो कहीं से भी ढूंढ के देंगे, क्योंकि उनके कंप्यूटर वगैरह में इतना 4-5 साल 10 साल तक तो वैसे ही रखना चाहिए। ये जो रिजल्ट वाला मामला होता है ना, ये तो 10 साल से ज़्यादा 20 साल तक भी रखना पड़ता है, उन्होंने कैसे गड़बड़ कर दिया है पता नहीं। वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड में सिर्फ 6 सेमेस्टर, और उन्होंने ये भी इनफैक्ट बोला है कि अगर आपके पास डिग्री है तो मार्कशीट तो कोई मांगता ही नहीं है। नहीं डिग्री स्पेशल मैं खुद गया था। चलो ठीक है, देखो डिग्री है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो 70% से अबव है इसलिए शायद एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जिनका 50% ही है मान लो एग्जैक्ट, तो तीनों सालों में एग्रीगेट किया है ये कोई किसे पता करेगा, तो रूल भर्ती का नियम तो यही है ना, तो थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। फिर भी आप देखो ऐसा है कि आप RTI में उनको बोल दीजिए, और जो जवाब आपको मौखिक रूप से दिया जा रहा है इस जवाब को आप रिटर्न में ले लीजिए, RTI में मांगोगे तो रिटर्न में जवाब देने को बाउंड होंगे, तो जो भी जवाब मिलेगा उसको आप साथ में ले जाना, और आप जो भी इसके लिए आवेदन लगाते हैं तो आप आवेदन लगाइए, आवेदन लेना उनकी ड्यूटी है, उसकी रिसिप्ट देना उनकी ड्यूटी है, और वो जो जवाब देना चाहिए वो जवाब देने के लिए स्वतंत्र है, तो आप आवेदन की रिसिप्ट और उनका जवाब और RTI की एप्लीकेशन और जवाब ये चीज़ कलेक्ट कर लीजिए, घर बैठे हो जाएगा, ऑनलाइन लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फॉलो करके फिर मुझे बताना है ना, ठीक है, जैसा भी हो। कभी कभी पेरेंट्स सर आपको मार्कशीट भेजी हुई थी, और सर एक और रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल अंजलि जी का एक बार इंटरव्यू ले लीजिएगा, बिकॉज वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, अभी 5 मिनट बाद शी विल बी बैक एंड आई नहीं मैं इंटरव्यू तो अभी आज तो शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि 12:15 बज रहे हैं, मैं कल जरूर ले लूंगा, उनका नाम लिख रहा हूँ अंजलि अरोरा करके है ना, इंट्रो वगैरह ये सब चीजें एक बार थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट। नहीं नहीं कर लेंगे, अरे एक बार नहीं एक से अधिक बार ले लेंगे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये मैं तो अपने शौक से ये सारी चीजें अभी कर रहा हूँ हेल्प के लिए, एक्चुअली मैं सुबह 8 बजे से शाम 6 बज जाते हैं, और थोड़ा आराम भी नहीं कर पाता हूँ, इतने मैसेजेस और फ़ोन आते हैं, फिर ये रात को 12 बजने वाला मामला है ना, मेरे लिए थोड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि सुबह टाइम पे नहीं पाता। अंडरस्टूड सर, कोई निकल ले लीजिएगा है ना, तो कल ले लूँगा, मैंने नाम नोट कर लिया है उनका, ठीक है ना, मुझे याद दिला सर, मेरा भी एक जेंट्स एक लेडीज, ललिता प्रजापति मैडम आप बहुत देर से परेशान हो रहे हो, बोलिए क्या बोलना है सर। डेमो में बीटा वर्ड निकल जाता है तो ये नेगेटिव इफेक्ट देगा, वो किसी से मैंने सुना है कि आप डेमो में बीटा वर्ड यूज नहीं कर सकते, 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हो आप। नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर टीचर होता है, हाँ बेटा कर सकते हैं, वो कोई बेटा तो क्या उसके दोस्त बेटा ही तो निकलता ही निकलता है, तो निकालो आप, निकालो ही निकालो जितना निकाल सकते हो, लेकिन उसका नेचुरल वे में निकलना चाहिए, वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, वो ऑटोमेटिक निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ तो उसको ऑटोमेटिक निकलने दो, क्योंकि आप वैसे भी आपके अंदर मातृत्व के गुण है, ये अच्छी बात है, और ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे सर मेरी एज भी मान लो है ही 35, तो मेरी एज है ही, फिर मैं मान लो इतनी छोटी भी नहीं हूँ, अगर निकल जाए तो क्या दिक्कत है। एज आपकी सर, एक चीज और है सर, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से सर है ना, कॉमर्स का कोई भी कुछ भी नहीं करा रहा ना, यूट्यूब हेल्प मिल गई है, हम है ना कॉमर्स के लिए टीचर से हेल्प करा दो सर, जो कॉमर्स से रिलेटेड हो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इतना टिपिकल है, इसमें ना करंट बहुत सारी चीजें होती है। अरे भाई 1 मिनट, आप अपना नाम बोलो मुझे जल्दी से, संगीत नाम बोलो ना सर, संगीता यादव। एक मिनट, संगीता यादव, ठीक है। हाँ सर, लेकिन मेरे बेटे के नाम से आती है, गूगल आईडी आरनो के नाम से आती है। हाँ कोई बात नहीं, PGT कॉमर्स के लिए आपका इंटरव्यू लेना है क्या, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, PGT कॉमर्स, और मैं नेट क्वालिफाई भी हूँ, तो मुझे मैं 6 टाइम नेट क्वालिफाई, मैंने मैसेज किया था आज आपको, तो आपने कहा कि सारी चीजें शो करनी है, और मेरे एग्जाम है, आपका एग्जाम जो है उसमें मार्क्स कितने आए PGT कॉमर्स में आपके? सर 140 आ रहे हैं। तो आप कॉमर्स बन जाएंगे, इंटरव्यू की तैयारी हम कर देंगे, ठीक है ना, PGT कॉमर्स बन गए ये समझ के चलो, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंट। सर वही ना, मैं वही आपको ये बात कहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड आर्मी में है, और मैं क्योंकि सर आर्मी में ही वो है ना, तो इसलिए मेरा ना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी टच में नहीं हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बस 3 साल पढ़ाया है,
और उसके बाद मैंने 6 बार नेट क्वालिफाई किया है, वो ये तो नहीं बोल देंगे कि आपने नेट कर रखा? आप बार बार 6 बार मत बोलना, ये 6 बार आपने अलग अलग सब्जेक्ट में किया है या एक ही में 6 बार किया है? एक ही में किया है, हर साल देती रहती थी ताकि सब्जेक्ट के टच में बनी रहूं। आपका ये जो ये सारा ये नेट की मार्कशीट है ना, थोड़ा मुझे ये सब PDF करना, मैं देखना चाहूंगा, है ना? हाँ सर, मैं भेज दूंगी। बढ़िया से सर, मैंने APS CSB वगैरह भी निकाले थे, लेकिन ना वही ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है जल्दी सी। PGT कॉमर्स में ना वैकेंसी खाली ही नहीं रहती जल्दी सी। नहीं नहीं, आपको मिल जाएगी ये PGT कॉमर्स। एक बार अगर बन गए ना तो आप बहुत जल्दी प्रिंसिपल ही बन जाओगे। PGT कॉमर्स वाले बहुत जल्दी प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है ना? और फिर आर्मी वाले तो हो ही, बहुत ज्यादा जरूरत है सर। बिल्कुल ना, मुझे ये है कि मेरा ये समझो उम्र के इस पड़ाव पे आके ना, मैं कोई ये मौका खोना नहीं चाहती है। तो लास्ट के चांस रहे हैं। मैं 10-11 साल से पढ़ रही हूँ सर, 10-11 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, सारे पेपर निकाले हैं सर, लेकिन किस्मत ना पता नहीं क्या सिलेक्शन भी वो हो जाता है। चलो नहीं 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 देखो ठीक है, ये आपका एक बात सही है, जिनका भी माइक ऑन है थोड़ा म्यूट कर लो। आपकी ये बात बहुत सही है कि ये जो चांस आया है, ये जो मौका है, ये जो अवसर है, अगर आप डट के मेहनत करेंगे तो 100% निकल जाएंगे। इस मौके को हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि एक बार अवसर चला गया तो फिर चला गया। इसलिए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कीजिए। आपको मैं बता दूं, देखो जो कॉमर्स का डेली लाइफ में, व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोग होता है, आपका जो बिजनेस स्टडीज़ है, जो अकाउंटेंसी है, इसका जो क्लास 11-12 का सिलेबस है, इसमें बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, आजकल बिजनेस के तरीके, कंपनियों के तरीके, और ये जब से कोरोना के बाद जो ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल व्यू में जो चीज़ें हुई है, जो परिवर्तन आया है, इसमें आपका कॉमर्स कहाँ मतलब आपको कंट्रीब्यूट करेगा, बच्चों के व्यावहारिक जीवन में कैसे आप परिवर्तन ला सकेंगे या क्या उपयोगिता है वो देखिए। और ये कॉमर्स वालों का जो प्रोफेशन है, इसमें पढ़ते हैं अगर बच्चे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनकी क्या वो है, CA CS बनते हैं अगर, तो उसके लिए आप कैसे बच्चों का कैरियर काउंसलिंग करेंगे एज ए PGT कॉमर्स, और कैसे आप बच्चे जो है आपके सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया से रुचि लेंगे। क्योंकि आज भी ये बड़ी समस्या है कि बच्चे अकाउंटेंसी में बहुत फेल होते हैं, कभी कभी बिजनेस स्टडी में भी लुढ़क जाते हैं, जबकि बिजनेस स्टडी तो आर्ट्स की तरह है, अगर ईमानदारी से बच्चा समझे। और जिसका 6 बार नेट है, इसका मतलब आप तो फिट हो, है ना? आप मुझे चलो ये सब यूं ना बोल दे कि आप कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते हो, फिर व्हाई आर यू कमिंग इन स्कूल? और मेरा ना सर कॉलेज का एक्सपीरियंस है 7 महीने का, लेकिन मैं शो नहीं कर रही डर के मारे कि कहीं मेरे को यूं ना बोल दे मैडम कॉलेज में पढ़ाए हुए हैं, कल को PhD करोगे, जाओगे कॉलेज में, स्कूल तो आपने छोड़ना ही छोड़ना है। नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड सर आर्मी में ना, मैं स्कूल नहीं छोड़ना चाहती, हमारी ना फिर एक साथ पोस्टिंग। देखो उनको बोलिए कि सर केंद्रीय विद्यालय में जो नेट क्वालिफाइड होते हैं और कॉलेज को पढ़ाने लायक होते हैं, ऐसे शिक्षकों की बहुत कमी है केंद्रीय विद्यालय में, बेहतर कॉमर्स टीचर बहुत कम है, और कॉमर्स का रिजल्ट आपका बहुत डाउन रहता है। आप तो ये बोलो सीधा केंद्रीय विद्यालय, और मैं आपको गारंटी देती हूँ मैं इतनी मेहनत करूँगी बच्चों के लिए, और मेरा इतना मतलब सब्जेक्ट पे कमांड है कि मैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, 100% क्वालिटी रिजल्ट दूँगी, कॉमर्स का बच्चा आपका टॉप करेगा, ठीक है ना? सर मैं उनको ये बोल सकती हूँ कि हाँ फ्यूचर में मुझे PhD की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो क्योंकि सरकार सुविधा देती है, वाइल्ड टीचिंग यू कैन ग्रो योरसेल्फ, है ना, ग्रोथ आप कर सकते हो, और जो है और क्योंकि KV में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, कल को मैं असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह के पद तक जा सकती हूँ धीरे धीरे। बिल्कुल 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 बोल सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ JRF आपका JRF भी क्लियर हुआ है क्या नेट के साथ? सर वो उसका सर्टिफिकेट नहीं है पर मेरे पास, हुआ तो था लेकिन ना उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो इसलिए वो, अगर JRF क्लियर होता तो नेक्स्ट 18 महीने में आप PhD हो जाती। चलो ठीक है, अब ललिता मैडम को लेने दीजिए। ललिता मैडम बताइए आप पूछिए क्या बोल। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारा ठीक है, अब आप मुझे भेजिएगा जो मैंने बोला है, आपका इंटरव्यू भी कर ले को तैयारी करवा देंगे, ठीक है? यस ओके सर, थैंक यू सर। आपका पर्सनल डेमो क्लास कहाँ भेजे सर, पर्सनली नंबर? ये ललिता मैडम बोल रही है क्या? हाँ जी, नहीं नहीं सर, बबीता मैम बोल रही है। क्या बोल रहे हो, फिर से जोर से बोलो आप, आपकी आवाज। सर मैं डेमो
अरे ओके ओके, मैं ये समझ रहा हूँ। आप कहाँ पे भेजे डेमो वगैरह के लिए, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए सब डिटेल आप, ठीक है? सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक सेकंड सर, मेरा क्वेश्चन था सर, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज है ना, मुझे पता नहीं है आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो तो ये शुभम, शुभम भाई बोलिए, बोलिए शुभम सर, बोलिए शुभम जी बोलिए। मैं सेंड कर दूंगी आपको, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं सर का नंबर सेंड कर दूंगी। मेरा नंबर चाहिए क्या? अरे ललिता मैडम, मेरा नंबर चाहिए आपको? नहीं है सर, आपका है मेरे पास, बस तो उसी नंबर पे भेज दो, उसी नंबर पे भेज दो, ठीक है? जी 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 जी। सर सर मुझे ये पूछना था कि सर मैंने 2003 में 12th किया था आपका, तो सर उस समय फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं थी हमारी फैमिली में, तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, तो उसके लिए फिर मैं आगे 12th करने के बाद ही ना मैंने पास के स्कूल में टीचिंग शुरू किया, और मैं घर पे भी ट्यूशन लिया करती थी सर। तो 2005 में फिर मैंने बीए का फॉर्म भरा, तो 2008 में मेरा बीए क्लियर हुआ सर। इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपके पास आर्थिक समस्या आई, आपने पढ़ाई को ड्रॉप किया, लेकिन आज आपने वापस से उस लाइन में आकर के पढ़ाई को कंप्लीट की, तो ये बताता है कि आप एजुकेशन के प्रति कितना रुचि रखती है और एजुकेशन के प्रति आप कितने कंसंट्रेट रही कि जैसे ही मौका मिला आपने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसलिए आपकी जो भी ये चीज़ें हैं ये आपकी ताकत है, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से उनको बताइए कि जिससे ये लगे कि आप वास्तव में पढ़ाने में कितना इंटरेस्ट रखती है, ठीक है ना सर? एक्चुअली हाँ जी सर, ये है ना एक्चुअली, ये क्या कहते हैं, आगे की सारी पढ़ाई मेरी प्राइवेट रही है, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ाते हुए किया है, सिर्फ मेरा पीएस रेगुलर है सर। अरे उससे तो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूँ मैंने केवल क्लास 12th तक रेगुलर पढ़ाई की है। बहुत इच्छा थी मेरी कि मैं कॉलेज में जाऊं, मैं भी घूमूं, ये जो फिल्में विल्में देखते थे, गाने गाते थे बच्चे, हम भी कुछ ऐसा करें, लेकिन लेकिन मुझे आफ्टर 12th कॉलेज रेगुलर पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैंने बीए पूरा प्राइवेट किया, एमए पूरा प्राइवेट किया, केवल बीएड मजबूरी थी इसलिए हमने रेगुलर किया, ठीक है ना? बीएड मैंने रेगुलर किया, हाँ, और उसके बाद नौकरी लगने के बाद गवर्नमेंट से परमिशन लेके मैंने एमफिल रेगुलर किया, वो भी 2 बजे बाद वाला इवनिंग कॉलेज, है ना? तो इन सब से कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपका परसेंटेज, आपका ज्ञान, आपकी मार्कशीट जिस यूनिवर्सिटी की है वो उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी वही मान्यता रहती है। आप सप्लीमेंट्री से भी पास होके आए हैं ना, लेकिन आपके मार्क्स ज़्यादा है टोटल मार्कशीट में, तो सप्लीमेंट्री वाले को पहले माना जाएगा, और जिसने एक बार में एग्ज़ाम पास किए लेकिन मार्क्स कम है तो वो सेकेंडरी पे लिया जाएगा, एक बार ध्यान रखिए, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों के लिए, अरे आप अगर इन सब चीज़ों को लेकर के डिमोरलाइज होंगे या इस तरह की बात करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रखिए, कोई प्रॉब्लम, मैं आप बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है आपके साथ जो प्रॉब्लम है ना उससे ज़्यादा मेरे साथ रही है, ठीक है? लेकिन मेरे को बोलने, मैं आपको कॉन्फिडेंट के साथ सब बता रहा हूँ कि नहीं, ऐसे ही आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है ना? जी सर, जी आपको अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगी। यस शुभम भाई बोलो, शुभम स्वरूप जी। यस सर, गुड इवनिंग सर, मैं शुभम बात कर रहा हूँ सर। मैंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से किया है, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म से किया हुआ है। ये करने के बाद मुझे 16 से लेकर 2020 तक ट्रैवल कंपनी में जॉब एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ इसी दौरान मैंने 17 से 19 में डीएलएड डाइट से किया रेगुलर बेसिस पे। 16 से मैंने जॉब स्टार्ट किया, 17 मैंने पुणे में ऑफिस जाकर काम किया, फिर 17 से 19 मैंने वर्क फ्रॉम होम रहते हुए अपना डाइट से डीएलएड पूरा किया। 19 में फिर मैं पुणे चला गया, और 19 से 20 में मैंने वहाँ पे वापस ट्रैवल इंडस्ट्री में काम किया, और 20 में कोरोना के आने से मेरी जॉब गई। फिर मैंने एक साल वहाँ पे 21 में अमेजोन में काम किया। अमेजोन में काम करने के बाद मैंने पुणे से ही सीटेट का पेपर दिया, उसके बाद मैंने आके यहाँ पर ये रियलाइज किया कि मुझे इसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे केवीएस का पेपर दिया, अभी मेरे पीआरटी में 128 नंबर बन रहे हैं। तो मेरे अंदर ये एक चीज है कि यदि मैं उनसे अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस है वो 16 से लेकर 20 तक का है, तो क्या इस पर विपरीत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल, आप क्यों शेयर करोगे? देखो क्या है, सुनो, आपने जो बोल रहे हो, आपकी डीएलएड आपने रेगुलर किया, तो एक आदमी कोई एक काम रेगुलर करते हुए दूसरी जगह प्रेजेंट होकर के सैलरी कैसे ले सकता है? ये क्वेश्चन आया तो गड़बड़ हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगा।
इसलिए आप चूंकि और ये हो रहा है सारे के सारे, कई संस्थाएं रेगुलर डीएड का सर्टिफिकेट देती है, अटेंडेंस भी लगाती है, और नौकरी वाले नौकरी पेशा लोग सब यही कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका पार्ट टाइम जॉब जो भी जॉब है, लेकिन आप इसको रेगुलर वाला पीरियड जो आपने जो एजुकेशन फॉर्मल प्राप्त की है उस पीरियड में आपको कोई जॉब नहीं दिखाना है और कुछ उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं है, वो आपके लिए भी खतरनाक होगा और ये ठीक नहीं माना जाता है। तो आप जो है अपना जो ये एजुकेशन है इसी के बारे में बात करें, और अगर जॉब के बारे में बात करना है तो जो इस पीरियड के अलावा टाइम है उसके लिए आप बात कर सकते हैं, इसको सोचना पड़ेगा। हालांकि लीगली ये सब चीज़ें गलत होती है, ठीक है ना। अब कर लिया तो कर लिया, लेकिन आपको जॉब चाहिए और आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप ये सब चीज़ें बताएं, क्योंकि ये बड़ा निगेटिव हो जाता है वहाँ पे दोनों चीज़ें आप बताओगे तो वो ये प्रश्न तो करेंगे, भाई आप दो जगह प्रेजेंट कैसे रह लिए यार। तो आप बोलोगे कि प्रेजेंट तो मैं ऑफिस में था, तो फिर इसका मतलब आपकी डिग्री फिर गलत मानी जाएगी कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी ने दी है तो उस कॉलेज ने कैसे दे दी जब आप वहाँ प्रेजेंट ही नहीं थे और प्रेजेंट कहीं दूसरी जगह थे ऑफिस में। ये ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये गलत चीज़ें होता भी है। अब ये सब चीज़ें ओपन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, सर 128 मार्क्स होने पर क्या मुझे संशय रखना चाहिए दिमाग मन में या फिर पूर्णता इंटरव्यू के लिए लग जाना चाहिए? अरे यार संशय वंशय मत रखो, पूर्णता इंटरव्यू के लिए लग जाओ 100% बार बार, और बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ 100-200 क्वेश्चन की, क्या क्या पूछा जा सकता है, सारे वीडियोस देखो जिसमें हमने डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन किए हैं, और भी आपको जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है वो लिख लो, हम अगले बता देंगे। मुझे आपके क्वेश्चन की लिस्ट भेज देना जिस जिस को पूछना है, और बाकी आप ये चूँकि मौका बार बार नहीं आता, आप अपना 100% और बेस्ट इंटरव्यू में बहुत ही क्वालिटी के साथ परफॉर्म कर सको उसके लिए तैयार कीजिए, क्योंकि आपका बाय चांस वैसे तो आना ही चाहिए 100% आपका इतने अच्छे मार्क्स से, लेकिन किसी वजह से अगर नहीं आ पाया तो भी आपका ये जो अनुभव है ये बहुत काम आने वाला है आगे, और आपको संशय तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 128 मार्क्स को तो मुझे लगता है 100% बुलाया जाएगा। ठीक है सर एक लास्ट क्वेश्चन और, सर अब यार मेरा गर्दन है ना, गर्दन दर्द कर रही है मुझे अब थोड़ा सा। सर एक मैंने बहुत हाँ, अब बाकी लोग देखो सुनो, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो अभी अभी गूगल मीट से लेफ्ट हो जाइए, और जिनके क्वेश्चन है उनके जवाब मैं दे दूंगा। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है और जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिए वो चाहे तो लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। ओके हाँ, कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बताइए, बोलिए पूछो। मोहम्मद अहमद जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन, मोहम्मद अब्बास। हाँ मोहम्मद अब्बास जी बोलिए बताइए। अरे यार ये मोहम्मद अहमद है, आप मोहम्मद अब्बास दिखाई नहीं दे रहे मुझे। मोहम्मद अब्बास बोलो, जिसको बोलना है बोल दो यार। सर हम बोल रहे हैं, हेलो बोलो बोलो। हाँ सर बोले थे ना सर कि मैं जो ग्रेजुएशन है और साथ में, हेलो सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज में गड़बड़ है, नेट गड़बड़ है सर, अब आ रही आवाज। और नीरज मिश्रा जी और बाकी लोग अपना माइक म्यूट करो ताकि यहाँ डिस्टरबेंस हो रहा है। कामेश्वरी मैडम माइक म्यूट कर लीजिए आप भी। सर हम बोले, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बोले थे ना कि सर हम कॉमर्स से किए हैं ग्रेजुएशन सर, आप एग्जाम इंटरव्यू कौन सा दे रहे हो, पीआरटी का? जी सर पीआरटी का। अच्छा तो कॉमर्स से किए तो जो नॉर्मल क्वेश्चन पीआरटी पे होते वही होंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने बी काम किया तो आपके उसका प्राइमरी टीचिंग में क्या लाभ होगा, तो आपको जो आंसर मैंने पहले बता चुका हूँ वही आंसर देना है, ठीक है ना। मोहम्मद अहमद जी बोलिए, अब आप बोलिए। यस सर, सर एक बार पूछना है सर। मोहम्मद अहमद जी अपना माइक अनम्यूट करो। सर क्वेश्चन ये अराइज कर सकते हैं सर कि हम एनवाइस से किए हैं और ग्रेजुएशन में प्रेजेंट, क्या हम उसके लिए जवाब देंगे?
अरे भाई मैंने फिर बोला था, एक चीज रेगुलर और एक चीज प्राइवेट की जा सकती है, और दोनों प्राइवेट तो की जा सकती है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने रेगुलर तो कुछ नहीं किया है ना। नहीं सर, एक रेगुलर, एक इनवॉइस से डिप्लोमा एंड डिग्री। हाँ कोई बात नहीं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो दो रेगुलर को भी जो है मान्यता दे रही है, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईबी 2020 पढ़ लीजिए। हाँ, और उसमें जो रूल है उसको भी कोट करके बता देना कि सर ऐसा है। सर मेरा दो क्वेश्चन है सर आपसे। आप जल्दी से पूछो यार, मुझे बहुत थकान हो रही है। आप एक एंग्री पेरेंट से कैसे डील करेंगे एज ए टीचर? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि एक स्टूडेंट लगातार अंडर परफॉर्मिंग है, तो उसको एज ए टीचर आप कैसे मतलब उसको देखेंगे? क्वेश्चन है सर मेरा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपने, क्वेश्चन पूछ करके मुझे पूरे आज ये जितना भी ये सेशन है ना पूरा ये सफल हो गया है, समझ लीजिए। एंड में जो ये दो क्वेश्चन आपने किए हैं, रियली ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैं इनका आंसर देने में बड़ा आनंद का अनुभव करूँगा, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया है ना। एक तो ये क्वेश्चन है कि कोई बच्चा अंडर परफॉर्मिंग रहता है हमेशा, तो आप उसे कैसे डील करेंगे, नंबर वन, ठीक है। और एक आपका क्वेश्चन है आपका कि आप जो है एंग्री जो होते हैं, गुस्से करके पेरेंट्स आते हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे? यस, देखो ये दोनों काम मैंने पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा किए हैं, और मुझे मज़ा आता है एंग्री पेरेंट्स को हैंडल करने में, चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना। और मैं एंग्री पेरेंट्स को आमंत्रित करता हूँ, आप हेल मुझे मार, और बुलाता हूँ पेरेंट्स की मीटिंग, बुलाते ही रहता हूँ साल भर कई बार, है ना। तो देखो क्या होता है, आपको मालूम है जो भी एंग्री पेरेंट्स होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, क्रोध किसी भी इंसान की कमजोरी की निशानी है, कायरता की निशानी है, ये कोई बहादुरों का हथियार बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मुझे आए या आपको आए या किसी पेरेंट को आए, है ना। तो कोई गुस्सा कर रहा है, कोई पेरेंट क्रोध कर रहा है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है उसकी कोई ना कोई कमजोरी है, नंबर वन। दूसरा वो अहंकारी है, नंबर टू। और तीसरा वो चाहता है उसी के बच्चे को स्पेशल देखा जाए, है ना, वो पक्षपात की भावना भी फैलाना चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसे एंग्री पेरेंट्स को बहुत प्यार से हम अपने स्टाफ रूम में या ऑफिस में ले जा कर के एक गिलास पानी पिला के उससे बात करेंगे कि देखो भाई ये नियम है और इस नियम के हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है ना, और आप जो बोल रहे हैं वो नियम के विरुद्ध है, तो नियम के विरुद्ध कोई काम किया नहीं जा सकता। और यहाँ देखो ये कैमरा लगा हुआ है, इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है ना, आप जो बोलोगे सब रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर वो कानून के खिलाफ होगा तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे प्रिंसिपल साहब यहीं से देख रहे हैं, है ना। और आप जो बोल रहे हैं इसका असर दूसरे पेरेंट्स पर भी पड़ेगा, है ना, इसलिए आपकी हर समस्या को हम हल करने के लिए तैयार है। आप जो भी बोलना चाहते हैं, ये फोर साइज का वाइट पेपर है, प्लीज़ इस पर लिख करके दीजिए, है ना। कितना भी एंग्री यंग मैन हो, जब लिखना शुरू करता है ना टू द प्रिंसिपल, तो आधा खोपड़ी तो उसकी वहीं ठंडी हो जाती है। मतलब जब लिखना शुरू करेगा ना, तो वो अपने नियम विरुद्ध बातें तो चिल्ला के बोली जा सकती है ना। कितना भी आरोप लगा दो नरेंद्र मोदी को, लेकिन अगर आपके पास सबूत है तो आप जाके अदालत में क्यों नहीं देते, क्यों नहीं लिखते? माइक पर चिल्लाने से क्या होता है ना। मतलब मैं ये नाम लिया मैंने मोदी जी का, मैं कोई मोदी जी का फेवर वाला व्यक्ति हूँ ऐसा नहीं है, है ना, लोग अलग अलग अंदाज लगा ले, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंग्री लोग होते हैं ना, ये भी वैसे ही होते हैं, नियम विरुद्ध वही बातों पर चिल्लाते हैं जिसको ये लिख करके नहीं दे सकते। तो उसको मालूम है कि ये लिख के दे दो लेटर, इस लेटर की एंट्री होगी एंट्री रजिस्टर में, और प्रिंसिपल साहब के सामने पुटअप करेंगे, और उन्होंने बोला है जो भी पेरेंट्स लिख के देगा नियमानुसार उस पर विचार किया जाएगा। जब वो लिख के देता है ना, तो वो आधा लेटर लिखने में उसको समझ में ही नहीं आता है लिखूं क्या,
क्योंकि गाली लिख नहीं सकता, गलत बात लिख नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी का अपना कॉन्शियस होता है, वो उसे लिखने के लिए अलाउ नहीं करता। तो जो इतनी दादागिरी करके आते हैं मेरे पास, कई बार एज ए प्रिंसिपल मैं बैठा हूँ, अरे सर बुलाइए फलानी मैडम को, उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे कैसे बोल दिया, ये फलाना मैं यहाँ केस कर दूंगा, वो केस कर दूंगा, सीपी ग्राम में जाऊंगा, आरटीआई में पूछूंगा ये। अरे मैंने कि भैया बिना आरटीआई के ही जवाब दे दूंगा तुमको, तू आकर तो सही बैठ बात कर, टेबल पे आओ, सामने आ जाओ। मैं उसको प्यार से बुलाता हूँ, और उसको जब वो चिल्लाता है ना तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तुम अपनी जगह बहुत सही हो, और अब तुम्हें अपनी इस बात को केवल बोलना नहीं है, थोड़ा लिखना भी आना चाहिए, आ जाओ लिखो, अभी शिकायत करो, अभी सस्पेंड करवाते हैं उस टीचर को, अभी निपटाता हूँ मैं, ठीक है ना। और जैसे ही मैं बोलूँगा तो वो धीरे धीरे लिख के आधा लिखेगा, और आधा लिख के क्या बोलता है मालूम, सर मैं किसी की नौकरी नहीं लेना चाहता। वो जैसे बड़ा दान देता है, अरे तू ले नौकरी भैया, है ना। और मैं क्या, हम मैं प्रिंसिपल क्या उसकी नौकरी खाने बैठा हूँ, है ना। मैंने आ जाओ तुम लिखो। तो किसी भी ऐसे पेरेंट्स को हैंडल करने के लिए किसी भी टीचर के पास एक अनलिमिटेड पेशेंस और टॉलरेंस होना बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना भी ज़रूरी है एज ए पेरेंट्स के लिए, है ना। और उसको तरीके से रूल रेगुलेशन की बात करके, कैमरे की बात करके, बहुत सारी बात करके हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लंबा हो गया हमारा आंसर। और दूसरा जो आप बता रहे थे, अंडर परफॉर्मेंस बच्चे को समझने के लिए आपको उस बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड को देखना होगा, बचपन से क्या उस बच्चे को कोई किसी प्रकार का साथ मिला, माँ ने उसको कैसे ट्रीट किया, पिता ने उसको कैसे ट्रीट किया, आस पड़ोस में बच्चे कैसे हैं, उस बच्चे को लाड प्यार कितना मिलता है या ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है, तो उस केस स्टडी ये करना पड़ेगी बिल्कुल। और उस बच्चे का के मन में जो भय है, जो वो खुल करके शिक्षक से बात नहीं कर पाता है, जो भी रीज़न है, तो हम उस बच्चे को अलग एक तरफ ले जाके उसके अपने माँ बाप की तरह हम उसके साथ एक इन्वॉल्वमेंट बनाएंगे, बिलोंगिंगनेस क्रिएट करेंगे, उस बच्चे के साथ लगाव जुड़ाव का वो बच्चा अनुभव करे, इस तरह से हम अपना बिहेवियर नेचर रखेंगे और उसको धीरे धीरे हैंडल करेंगे। सबसे इजी क्वेश्चन जो होगा वो इजी क्वेश्चन उस बच्चे से, सबसे इजी क्वेश्चन उसके लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, और जब वो आंसर बताएगा तो सारी क्लास के बच्चों से तालियां बजाएंगे, और उस बच्चे के उस क्वेश्चन के आंसर पर उसे नहीं होगा तो कोई टॉफी इनाम में दे देंगे, कुछ और चीज़ दे देंगे, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े, उसको लगे कि यार ये क्वालिटी मेरे अंदर थी, ये वाले सर ने पहचानी है, और इन सर के पीरियड में तो बार बार बोलूँगा। तो धीरे धीरे फिर आप उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो बच्चा जो है हिम्मत करके बोलने लगेगा, और वो बच्चा जो है लाइन पर आ जाएगा, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब मेरे से कोई क्वेश्चन का आंसर एकाध और है तो पूछ लीजिए, लास्ट हो गया, 12:15 बज गए। चलो ये कार्तिका पूछना चाहती है, पूछ लो जल्दी से, एक सेकंड रुकिए, मैं ये म्यूट जो कर अनम्यूट कर दिया था। यस ओके बोलो। सर मेरा भी क्वेश्चन, मेरा पीआरटी में इंटरव्यू के लिए लिख लीजिए सर। बिल्कुल मेरा क्वेश्चन, आप मुझे अलग से मैसेज भेज देना इंटरव्यू वगैरह के लिए, और वो कर देना। हाँ बोलो कार्तिका। सेवन तक ले लेंगे, 6-7। हाँ बोलो, मतलब आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी कार्तिका जी। हाँ सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 3 दिन में एक दिन सेशन रख लीजिए क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वालिटी का, लेकिन सर आप इंटरव्यू ज़्यादा लीजिए। बिल्कुल आपका सही सजेशन है, मैं तो इंटरव्यू लेने बैठा था, लेकिन ये गूगल मीट से ऑन कर देते हैं ना, तो फिर इतने सारे लोग जो है वो सब गड़बड़ कर देते हैं, और बच्चों की सेम क्वेरी होती है तो वो क्लियर हो जाएगी सर इंटरव्यू। ठीक है, अब मैं ये इंटरव्यू के लिए मैं केवल गूगल मीट से उन्हीं लोगों को बुलाऊंगा जिनका इंटरव्यू लेना है, बाकी के लिए ओनली यूट्यूब लाइव रहेगा। ओके हाँ ले लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन आपकी बात आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ठीक से कीजिएगा, याद दिला देना,
मैं देख लूँगा, है ना। और अभी आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। ये और कोई गुंजन शर्मा क्या पूछना है? शिवा शिव जी क्या नाम है आपका? शिवी शिवी बोलिए बोलिए। सर वो मैंने आपसे पूछा भी था, जो जैसे मैं एमएड कर रही हूँ बीएचयू से, तो मुझे उसे मेंशन करना चाहिए या नहीं? पूछ सकते हैं ना कि आप छोड़ देंगे उन्हें रेफर करेंगे? आप अभी अमेरिका में हो क्या? नहीं सर। तो अमेरिका में कब गए थे? अमेरिका नहीं सर, सर एमएड कर रही हूँ बीएचयू से, तो वो मेंशन करना है या नहीं? वो देखो, अगर रेगुलर चीज़ आपकी जो है वो मेंशन कर सकते हैं, आपस में क्लेश नहीं होना चाहिए। एस पर रूल मैं अभी कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। अगर वो पूछेगी अभी आप क्या कर रही हो तब बताइए, अदरवाइज नहीं। पीआरडी का दे रही हो ना आप? हाँ, तो पीआरडी के इंटरव्यू में ज़्यादातर कंसंट्रेशन पीआरडी पे होगा, लेकिन बाकी बातें एक आधी पूछी जाएगी। ठीक है, ओके। ये क्या गुंजिता क्या नाम है सर? गुंजिता, ये सर गुंजिता सर बोलो। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। बोल दो, बोलो 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 सर। मेरा एक सर सवाल था सर, मैं लास्ट 3.5 ईयर से प्राइवेट स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ। तो जैसे मैं जानना चाहती थी कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे इंट्रोडक्शन में मेंशन करती हूँ तो क्या वो कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देगा, या फिर मुझसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड? कुछ कुछ मतलब नहीं है पॉजिटिव इंपैक्ट। भाई आप कैसे वहाँ बच्चों को हैंडल किया, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे। इतने सारे तो अभी हमने आंसर दे दिए, उसमें आ ही गया है, बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सर एक और सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, मैं अब एंड कर रहा हूँ गूगल मीट का। जल्दी ठीक है सर, ठीक है सर, नेक्स्ट थैंक यू सर, है ना, ओके। सभी लोगों को नमस्ते, सब लोग लेफ्ट हो सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, है ना। अब बाकी के क्वेश्चन, बाकी चीज़ें हम बाद में ले लेंगे। और अगर आप मीट में यहाँ पर है और आंसर आपका नहीं हो पाया तो मुझे व्हाट्सएप जब करेंगे तो उसमें ये मेंशन करना कि सर गूगल मीट में आज की तारीख में हम आपका क्वेश्चन नहीं ले पाए थे पर आप प्रेजेंट थे, तो मैं देख करके बता दूंगा। ठीक है ना। नीरज मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो बता दो। आप आराम से लेटे हो, बैठे हो, क्या है बताओ जी। सर काफी देर से सर वेट कर रहा था सर। हाँ हाँ मैं सर संस्कृत केजीटी से, मेरा है सर 127 क्वेश्चन है। तो सर जैसे मैं फॉर्म जब फिल किया था तो उसमें बीए फॉर्म फिल किया था, एमए भी हूँ, लेकिन एमए सर प्राचीन इतिहास है। तो उसे क्या फर्क पड़ता है? तो सर इंटरव्यू में प्राचीन जैसे फॉर्म में फिल नहीं किया था मैं एमए का। देखो आपका जो, मैं आपको फिर बता दूं कि आपके, ये हमेशा बता रहा हूँ कि आपका जो डेमो टीचिंग होगा ना संस्कृत का, एक तो वो जरूर ज़बरदस्त होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो होंगे वो आपके संस्कृत पे ही आधारित ज़्यादातर होंगे, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन जो है उसके भी कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, जो सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए उस चीज़ का मोटा मोटी उतना आप ज़रूर रखें। ठीक है, तो मतलब डीप में आपके आपके अदर क्वालिफिकेशन से डीप में क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? उनको क्या करना है, उनको पढ़वाना है आपसे संस्कृत, तो मुझे लगता है कि वो संस्कृत पे कंसंट्रेट ज़्यादा करेंगे। हाँ, लेकिन कहीं ऐसा कि भाई आपकी वो इतिहास संस्कृत में कहाँ उपयोग होता है तो आप बता सकते हैं कि जितने भी संस्कृत के महान कही हुए किसी न किसी राजा के दरबारी थे, उनका ऐतिहासिक महत्व है, तो हम इस तो हम उसको कोरिलेट करके हिस्ट्री से ज़्यादा बेटर वे में संस्कृत पढ़ा पाएंगे। ये आपका आंसर होना चाहिए। रामायण वगैरह जैसे वो महाकाव्य जो हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे रामायण है, महाकाव्य है, बुद्ध चरित है, और ये बाणभट्ट है, सब तो कोई राजाओं से रिलेटेड थे ना सब कुछ, चाहे कालिदास हो कुछ भी हो, ये तो इतिहास के अंग भी है और संस्कृत साहित्य ही पूरे इतिहास में से ही तो निकला है। तो सर मेरे कहने का मतलब सर है कि जैसे फॉर्म में मैं फिल नहीं किया हूँ एमए का, तो वहाँ इंटरव्यू में बायोडाटा में जो आता है उसमें फिल कर सकता हूँ सर ना? जो बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी गूगल मीट का एंड कर रहा हूँ भाई, है ना।